क्या होगा मूवी का जॉनर और क्या होगी मूवी की कास्ट, आप सभी के सवालों का जवाब जल्दी मिल जाएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्ते और सलाम, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द बिग बुल के बारे में। द बिग बुल आने वाली इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म होगी। मूवी का डायरेक्शन कुकी गुलाटी करेंगे। धवन, कुकी गुलाटी और रितेश शाह ने ये फिल्म लिखी है। फिल्म को आरजू फिल्म का प्रोडक्शन अजय देवगन फिल्म्स और पैनोरामा स्टूडियोज के अंडर होगा, जिसके प्रोड्यूसर अजय देवगन, अनंत पंडित, विक्रम शर्मा और कुमार मंगत पाठक हैं। आपको बता दें कि फिल्म की कास्ट की बात करें तो उस फिल्म के लीड रोल में अभिषेक बच्चन होंगे, जो कि हर्षद मेहता का किरदार निभाएंगे, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है। अभिषेक बच्चन को आखिरी बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई 2020 की फिल्म लूडो में देखा गया था। मूवी को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल अभिषेक बच्चन अपनी अगली फिल्म बॉब बिस्वा की तैयारियों में काफी बिजी चल रहे हैं। फिल्म की फीमेल लीड में निकिता दत्ता और इलियाना डिक्रूज को दिखाया जाएगा। निकिता दत्ता इस फिल्म में सुचिता दलाल का किरदार निभाएंगी, जो कि एक जर्नलिस्ट है। निकिता को आखिरी बार कबीर सिंह मूवी में एक छोटे से किरदार में दिखाया गया था। निकिता तमिल और तेलुगु फिल्मों में काफी नजर आ चुकी है। इलियाना डिक्रूज फिल्म में ज्योति मेहता का किरदार निभाएंगी, जो कि हर्षद मेहता की पत्नी है। आखिरी बार इलियाना को अनीस बाजमी की फिल्म पागलपंती में देखा गया था, जो कि कॉमेडी फिल्म थी। कुछ समय पहले ही इलियाना ने अपनी फिल्म अनफेयर एंड लवली की शूटिंग खत्म करी है, जिसमें वो रणदीप हुड्डा के ऑपोजिट दिखेंगी। फिल्म की बाकी कास्ट में सुमित वत्स और राम कपूर भी होंगे। आपको बता दें कि राम कपूर इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का किरदार निभाएंगे। फिल्म की शूटिंग तो 16 सितंबर 2019 में ही शुरू हो गई थी और 2020 में फिल्म की शूटिंग खत्म भी हो गई थी। फिल्म को पहले 2020 अक्टूबर में रिलीज करना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से मूवी को पोस्टपोन करना पड़ा। आपको बता दें कि फिल्म की थियोरेटिकल रिलीज भी कैंसिल कर दी गई और अब मूवी डिज्नी हॉटस्टार पर वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दी जाएगी। फिलहाल मूवी की रिलीज दिसंबर 2020 से दोबारा शिफ्ट करी गई है। अब देखते हैं कि क्या खबर आती है। आपको बता दें कि 29 जून 2020 को अभिषेक बच्चन ने फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया और साथ ही उन्होंने लिखा, एन एक्सेप्शनल टेल ऑफ अ मैन हू सोल्ड ड्रीम्स टू इंडिया, सो थ्रिल्ड टू गेट दिस होम डिलीवर्ड टू यू, वेयर यू विल ऑल गेट टू वॉच दिस फर्स्ट डे फर्स्ट शो विद डिज्नी हॉटस्टार। मूवी हर्षद मेहता की रियल लाइफ पर बेस्ड है और इस मूवी में 1980 से लेकर 1990 तक का पीरियड दिखाया जाएगा। हर्षद मेहता उस टाइम के बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर थे और मार्केट में उनका काफी नाम था। उनके नाम का एक ब्रांड हुआ करता था मार्केट में। हर्षद मेहता की एक ऐसे कैसे छोटे स्टॉक ब्रोकर से बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, ये सब दिखाया जाएगा इस फिल्म में। इससे पहले भी हर्षद मेहता पे बेस्ड एक वेब सीरीज बन चुकी है, जो कि 2020 में ही रिलीज हुई थी। और मूवी इस फिल्म सीरीज में हर्षद मेहता के किरदार को प्रतीक गांधी ने निभाया था और उनको ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। इस सीरीज की IMDb रेटिंग भी 9.5 थी। अब देखते हैं कि अभिषेक बच्चन उनका रोल जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं और हर्षद के किरदार को लेकर ऑडियंस में जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अब अलविदा कहने का समय आ गया है। हम जल्दी लौटेंगे नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें। करियर को भी देखें तो कई बार ऐसा लगा कि अभिषेक बच्चन का करियर अब खत्म हो गया, लेकिन हर बार एक नई फिल्म के साथ वो आ जाते हैं बड़े पर्दे पर हमें एंटरटेन करने। और अभी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है बिग बुल। बिग बुल, इस नाम से आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगी। द बिग बुल ये एक अपकमिंग 2020 के इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल क्राइम फिल्म है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं कुकी गुलाटी। कास्ट की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है और पहली बार अजय देवगन किसी फिल्म में छोटे रोल में नजर आएंगे। लीड में है अभिषेक बच्चन और निकिता दत्ता, जो कि अभिषेक बच्चन की वाइफ के रोल में नजर आएंगी। निकिता दत्ता की ये दूसरी फिल्म है एज ए लीड हीरोइन। इन्होंने डेब्यू किया था फिल्म लेकर हम दीवाने दिल, उसके बाद सीरियल किया जैसे कि ड्रीम गर्ल और एक दूजे के वास्ते। वही ये कबीर सिंह में भी नजर आई थी। फिल्म में अगर सपोर्टिव कास्ट की बात करें तो अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज। बात करें अगर फिल्म की कहानी की तो इसमें कहानी होगी स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की। इसमें उनके 10 साल की जर्नी दिखाई जाएगी। हर्षद मेहता 1980 और 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट का वो बेताज बादशाह था, जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। मगर किसे पता था, जिसे स्टॉक मार्केट अपना मसीहा मान बैठा है, जिसे शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहे हैं, वो एक बड़ा घोटालेबाज जो उन्हें बर्बादी के जहन्नुम में ले जाकर पटक देगा। जी हाँ, हर्षद मेहता वो नाम है जिसने इस देश में 5000 करोड़ का घोटाला किया।
या यूं कहें कि ये शख्स देश के तमाम शेयर होल्डर्स के सपने और उनके 5,000 करोड़ गबन कर गया। दोस्तों सबसे पहले कि ये हर्षद मेहता कौन है। 29 जुलाई 1954 को पनेल माटी राजकोट गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म हुआ एक छोटे से बिजनेसमैन के परिवार में। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा और मुंबई के हॉली क्रॉस बैरन बाजार सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूली पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। फिर अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। दूसरा सवाल कि उन्होंने क्या घोटाला किया था। दोस्तों 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो ACC यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। हर्षद मेहता के ACC के पास पैसे लगाने के बाद मानो ACC के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि ACC का जो शेयर 200 रुपए का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9,000 की हो गई थी। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट की सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा था और हर इन्वेस्ट के साथ करोड़ों कमा रहा था। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। 1992 में इस राज से पर्दा हटा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि हर्षद मेहता 15 दिन का बैंक से लोन लेते थे और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटाते थे। मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता था, मगर हर्षद मेहता बैंकों से फेक BR बनवाते थे जिसके बाद उन्हें दूसरे बैंक भी आराम से पैसे दे देते थे। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उनसे अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सब पर लगभग सिविल केस फाइल हुए। अब सवाल आता है कि ये घोटाला कैसे करते थे। दोस्तों इन सबके बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगे कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें आपको नुकसान होगा। लोगों को बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसे लगाने की एडवाइस देते थे जिसमें उनका खुद का पैसा लगा हुआ है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इस केस में शामिल हैं। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ का घूस लेने का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। जैसे जैसे हर्षद मेहता का पर्दाफाश होता गया उन पर एक के बाद एक केस लगने शुरू हो गए, लेकिन हर्षद मेहता को सिर्फ एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। उसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जहां 31 दिसंबर 2001 को देर रात उनके छाती में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और वहां पर उनकी मौत हो गई। दोस्तों अभी तक ये रहस्य है कि उनकी मौत हुई है या नहीं। दोस्तों जहां 2020 सभी के लिए बैड लक रहा, वहीं अभिषेक बच्चन के लिए एक गुड लक साबित हुआ। उनके पास एक के बाद एक लगातार प्रोजेक्ट आ रहे हैं। दी बिग बुल के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं, उसके बाद लूडो जो कि अनुराग बसु की फिल्म है। अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं इसके बाद रंग बिरंगी और बॉब विश्वास जैसी फिल्में लेकर आ रहे हैं। बात करें अगर अजय देवगन की, मतलब इनकी बात ना की जाए तो ठीक है, क्योंकि इनके पास तो फिल्मों की लाइन लगी है। गोलमाल 5, RRR, मैदान, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, सिंघम 3, मतलब की एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या ही कहना है इनके बारे में। इलियाना डिक्रूज जो कि वैसे तो आजकल बहुत कम फिल्में कर रही है, इनकी लास्ट फिल्म थी पागलपंती जो कि बहुत ही मज़ेदार फिल्म थी, आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म देखनी है अगर ये फ्री में तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप डायरेक्ट इस फिल्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 23 अक्टूबर को। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं अजय देवगन और आनंद पंडित, प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन फिल्म्स एंड पैनोरोमा स्टूडियोज़। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें, और अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है फिल्म से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
स्टॉक मार्केट से बैन होने के बावजूद भी हर्षद मेहता कैसे स्टॉक मार्केट से इनडायरेक्ट कनेक्टेड थे, कैसे हर्षद मेहता की इन लॉस की कंपनी ने बहुत कम समय में लगभग 200 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में, जहां मैं पलक गुप्ता आपसे बात करूंगी 1980 से लेकर 1990 के दशक के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट यानी कि हर्षद मेहता के ऊपर बनी बॉलीवुड मूवी बिग बुल के बारे में। चाहे चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, गलती कर ही देता है और कोई ना कोई एविडेंस तो छोड़ ही देता है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ था हर्षद मेहता के साथ। सक्सेस रेशियो और पैसों की बढ़ती काम से झरने के अंदर से हर्षद मेहता इतने ज्यादा अंधे हो चुके थे कि वो सबूतों को मिटाना ही भूल गए, या फिर वो बैंक्स के सिस्टम के अंदर ढूंढे गए लूपहोल्स पर काफी ज्यादा भरोसा कर बैठे। क्योंकि एक अननोन बैंक सोर्स से न्यूज रिपोर्टर सुचेता दलाल, जो कि हर्षद मेहता के ऊपर काफी सालों से नजर जमाए बैठी थी, उन्हें तक पहुंचाई गई ऐसी एक खबर जिसने हर्षद मेहता की पूरी जिंदगी को पलट डाला। हर्षद मेहता के पैसों के फ्रॉड के बारे में एक पता चला कि एक सुचेता के एक आर्टिकल ने हर्षद मेहता को रातों रात जमीन पे गिरा दिया। लेकिन इससे भी हर्षद मेहता का गुरूर और उनके स्टॉक मार्केट को लेकर गहराइयों को रोका ना जा सका। उन्होंने अपनी पत्नी के बहनोई की कंपनी को इनडायरेक्टली गाइड करना शुरू कर दिया, यानी कि सबकी नजरों में हर्षद मेहता अपने घर पर बंद पड़े हुए स्टॉक मार्केट से बैन व्यक्ति थे। लेकिन इनडायरेक्टली हर्षद मेहता हमेशा ही स्टॉक मार्केट से जुड़े रहे। मार्केट में किसी भी तरह का स्टॉक आता है और स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली हर एक गतिविधि के ऊपर हर्षद मेहता की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से पूरी खबरें रहती हैं। और उसी के डाटा के हिसाब से हर्षद कंपनी को गाइड करते थे कि कब शेयर्स को होल्ड करना है, कब शेयर्स को सेल करना है, जिसके चलते धीरे धीरे वो कंपनी में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया, और वो भी दुगना या तिगना नहीं बल्कि 200% प्रॉफिट ज्यादा था। और ऐसे करते करते वो कंपनी बहुत ऊपर जाती गई। लेकिन ना जाने किसकी नजर लग गई कि इन कंपनीज के इतने ज्यादा प्रॉफिट एक्सचेंज के बारे में सुचेता दलाल ने रिसर्च करना शुरू कर दिया था कि आखिर एक नई कंपनी जो कि ज्यादा बड़ी भी नहीं थी कैसे इतना प्रॉफिट कमा सकती है। और इसी रिसर्च और हर्षद मेहता के ऊपर सुचेता दलाल के कंसिस्टेंट अटैक्स के बड़े पर्दे पर दिखाने वाली है कूकी गुलाटी द्वारा डायरेक्टेड मूवी बिग बुल, जिसमें हर्षद मेहता का किरदार निभाने वाले हैं अभिषेक बच्चन। आपका इस मूवी के बारे में क्या राय है, आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करें ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा, सुनाने का कुछ अनसुना, और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार इसके रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया। फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसके साथ ही फिल्म का टीजर भी सामने आया है। फिल्म के कुछ पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें देखकर अभिषेक बच्चन की फिल्म गुरु की याद आ जाती है। उनका लुक भी काफी उससे मिलता जुलता है। द बिग बुल फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पर 8 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। फिल्म पिछले साल ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया। सामने टीजर में अजय देवगन की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है। वो कहते हैं, छोटे घरों में पैदा होने वालों को अक्सर बड़े सपने देखने से मना कर देती है दुनिया, इसीलिए उसने अपनी दुनिया खड़ी कर दी। द बिग बुल द मदर ऑफ ऑल स्कैम। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि फिल्म का टीजर तो रिलीज हो चुका है, लेकिन फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। खबर है कि फिल्म का ट्रेलर 19 मार्च को आएगा। द बिग बुल की कहानी 1992 में हुए स्कैम की कहानी है, जिसे हर्षद मेहता ने अंजाम दिया था। उस दौर में दलाल स्ट्रीट में हर्षद मेहता बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले हर्षद मेहता ने कैसे इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया, इसी पर पूरी फिल्म है। अभिषेक बच्चन ने फिल्म की शूटिंग सितंबर 2019 में शुरू की थी। पहले ये 23 अक्टूबर 2020 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। गौरतलब है कि डायरेक्टर हंसल मेहता स्कैम 1992 नाम से वेब सीरीज बनाकर पहले ही रिलीज कर चुके हैं। इसमें लीड रोल में थे प्रतीक गांधी।
वेब सीरीज को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा था। वेल, अब उसी पर एक और फिल्म बन रही है। अब क्या इसे व्यूवर्स कितना पसंद करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वेल, आपको बता दूं कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के अलावा इलियाना डिक्रूज, निकिता दत्ता और राम कपूर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है कोकी गुलाटी ने और इसे प्रोड्यूस किया है अजय देवगन और आनंद पंडित ने। वेल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। देखते रहें। कौन सी फिल्म है बिग बुल मूवी का कंपटीशन? क्या सच में आने वाला है स्कैम 1992 का दूसरा सीजन? मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कोकी गुलाटी द्वारा तैयार की गई बायोग्राफिक बॉलीवुड मूवी बिग बुल के बारे में। बिग बुल मूवी वैसे तो 2020 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया गया और उसी दौरान स्कैम 1992 वेब सीरीज रिलीज हुई। वो सीरीज भी हर्षद मेहता की लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही और इंडिया की आज तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वेब सीरीज बन गई, जिसकी एक्सट्रीम हाइप और बिग बुल से कंपैरिजन की वजह से मूवी मेकर्स ने मूवी को दिसंबर 2020 तक पोस्टपोन कर दिया। लेकिन तब ही स्कैम 1992 की हाइप बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से बिग बुल को 2021 में रिलीज करने का फाइनल फैसला लिया गया। मगर अब बिग बुल मूवी को लिए एक और राइवल आने वाला है और वो है स्कैम 1992 वेब सीरीज का सिक्वल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सोनी लाइव ने हाल ही में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि हंसल मेहता सेकेंड सीजन बनाने की तैयारी में है और एक नया हिस्सा जुड़ने जा रहा है स्कैम फ्रेंचाइजी में, जिसका नाम होगा स्कैम 2003 द दिल्ली स्टोरी। ये सीजन जर्नलिस्ट संजय सिंह द्वारा लिखी गई बुक रिपोर्टर की डायरी के ऊपर है। सीजन 2 में अब्दुल करीम तेलगी के बारे में दिखाया जाएगा, जो कि इंडिया के मोस्ट इनोवेटिव स्कैम के मास्टरमाइंड थे। तेलगी के स्कैम की एस्टिमेट वैल्यू थी लगभग 20,000 करोड़ रुपए और ये स्कैम पूरे भारत की बहुत सारे स्टेट्स में फैला था। मराठी फिल्म के काफी पॉपुलर राइटर किरण को हायर किया गया है ताकि वो संजय सिंह के साथ मिलकर इस पूरी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट को तैयार कर सके। हंसल मेहता का ये कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं इस वेब सीरीज को बनाने के लिए, क्योंकि वो दोबारा एक बिल्कुल नई स्टोरी को बनाने जा रहे हैं। ये नया सीजन एक अलग कहानी पे काम करेगा, जिसने पूरे देश को कुछ साल के लिए हिला के रख दिया था और कहा जाता था जिसे स्टैम्प पेपर स्कैम। अब देखना ये है कि हंसल मेहता किस तरह इस कहानी को भी नई बुलंदियों पर पहुंचा पाते हैं। आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला। कहने का कुछ अन कहा और सुनाने का कुछ अन सुना। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। स्क्रिप्ट रिटन बाय। आखिर कितना असर पड़ा है मॉडर्न डे कंपनीज के ऊपर हर्षद मेहता का? हर्षद की बनाई हुई नई कंपनी में क्या चीज खास थी? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट की, जिन्होंने सनसेक्स को और इंडियन मार्केट की कीमतों को बहुत ही ज्यादा बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। हम बात करने वाले हैं हर्षद मेहता की और उन पर बन रही बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी बिग बुल के बारे में। हर्षद मेहता के बारे में जितना भी बताएं कम होगा, क्योंकि चाहे किसी भी केस में और स्कैम के चलते उन्हें कस्टडी में लिया गया हो, मगर ये बात तो ठुकराई नहीं जा सकती कि आज की स्टॉक मार्केट में और मार्केट की काफी ज्यादा कंपनीज के पीछे हाथ रहा है हर्षद मेहता का। बिग बुल ने जिस तरह से मार्केट को पूरी गहराइयों से समझा और उन जेनरेशन या फिर गहराइयों की समझ से उन्होंने उनमें लूप होल्स बनाए और मार्केट के ऊपर बहुत सालों तक राज किया। आज के मार्केट में न जाने कितनी ही ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों से पैसे लेकर उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाती हैं और फिर प्रॉफिट को लोगों को दिखाकर अपना हिस्सा कमाती हैं। ये तो ऑब्वियस ही है कि स्टॉक मार्केट में या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट, और इसी वजह से इन सभी कंपनीज को काम बहुत रिस्क पर चलता है।
मगर हर्षद मेहता ने सबसे पहले ये काम है 90s में शुरू किया था, जब उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी तैयार की जिसका नाम था ग्रो मोर। और उस कंपनी का मेन मोटिव था यही कि हर्षद मेहता लोगों से पैसे लेते थे और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और उन्हें गारंटी देते थे कि वो लोग प्रॉफिट जरूर कमाएंगे। अपने वादे पर हर्षद मेहता खरे भी उतरे थे। हर्षद स्टॉक मार्केट की रग रग से वाकिफ थे, जिस वजह से उनका लगाया गया पैसा प्रॉफिट कमाते और वो भी 3 से 4 गुना ज्यादा, जिससे वो अपने क्लाइंट्स के पैसे और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन्हें डेबिट कर देते थे और बाकी खुद फंड कर लेते थे। यानी अगर वो 5 करोड़ स्टॉक मार्केट में लगाते थे तो उसे 15 या 20 करोड़ कमा लेते थे, क्लाइंट को 7 करोड़ वापस देते थे और बाकी उनके पास। और इसी तरह से हर्षद मेहता ने एक बहुत ही ज्यादा शानदार कंपनी एस्टैब्लिश कर ली थी जो स्टॉक मार्केट या एक्सचेंज में थी। आप किस मूवी के बारे में और इसके कंसेप्ट के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अन कहा और सुनने का कुछ अन सुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना अपनी सभी दोस्तों के साथ। बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्टूडियोज को। और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी अभिषेक मिक्की ने और मैं हूँ पूनम। अब अलविदा कहने का समय आ गया है। जैसे किया था हर्षद मेहता ने इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला, आखिर किसने किया था उनके घोटाले को एक्सपोज। मैं प्रियंका धनखड़ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। हर्षद मेहता समझ गए थे कि आरएफ सिस्टम ने उनके जैसे प्रोमिनेंट ब्रोकर्स पर बहुत ट्रस्ट दिखाया है, तो उन्होंने दो और बैंक, द बैंक ऑफ कराड और द मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के साथ एक्सप्लॉइट करने की स्कीम सोचनी शुरू कर दी। इन दोनों बैंक्स की मदद से हर्षद बैंक रिकॉन्क्लेशन को फोर्ज कर रहे थे। जो बैंक फोर्ज हुए थे किसी भी सिक्योरिटी से बैक्ड नहीं थे, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर था और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां इंसान बिना कोलेटरल के लोन ले सकता है। हर्षद मेहता फिर ये पैसा स्टॉक मार्केट में घुसा देते ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। RBI को ऑन साइट इंस्पेक्शंस और बैंक के इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ऑडिट चेक करना होता है। एक थोरो ऑडिट ये दर्शा देगा कि बैंक रिकॉन्क्लिएशन में जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बैंक द्वारा लिए गए से ज्यादा है। जब RBI इरेगुलरिटीज नोटिस करता था तो वो बैंक ऑफ कराड और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता था। और एक तरीका जिससे कोलेट्रल को एलिमिनेट किया जाता था वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को फोर्ज करके। यहाँ बैंक रिकॉन्क्लिएशन स्किप हो जाता है और फेक गवर्नमेंट बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बॉन्ड्स को अलॉटमेंट लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उस वजह से उसे फोर्ज करना आसान हो जाता है, पर यह फोर्जरी अमाउंट काफी कम होती है। हर्षद मेहता ने बस लिबरल सिस्टम को यूज कर घोटाला किया। उन्होंने बैंक की मदद से अपना दिमाग लगाकर हेरा फेरी की। वो इस घोटाले को सालों साल करते रहे और अनाप शनाप पैसा गैर कानूनी तरीके से कमाते रहे। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल को हर्षद मेहता की लग्जूरियस लाइफ देखकर शक हुआ। उन्हें हर्षद मेहता की कार्स के बारे में जानकर सरप्राइज फील होता था। वो टोयोटा कोरोला, लेक्सस स्टारलेट और टोयोटा सेरा जैसी गाड़ियां रखते थे जो कि 1990 की सबसे महंगी कार्स थी और ये कार अमीरों के लिए भी एक सपना था। उसके बाद उन्होंने हर्षद मेहता के सोर्स ऑफ इनकम की इन्वेस्टिगेशन की। सुचेता दलाल ने घोटाले को 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम्स में एक्सपोज किया। वही फिल्म में सुचेता का किरदार भी दिखाया जाएगा। अब ये किरदार कौन निभाएंगी उसका हम अगले वीडियो में जरूर खुलासा करेंगे, लेकिन अगर आपको मालूम है कि वो कौन सी हीरोइन होंगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। आखिर कहाँ है हर्षद मेहता की पत्नी ज्योति मेहता? क्या स्क्वायर ऑफ कंपनी के कोफाउंडर अतुल मेहता ही है हर्षद मेहता की बेटी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज के आज के वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे डायरेक्टर कुकी गुलाटी द्वारा डायरेक्टेड मूवी पिक बुल के बारे में। पिक बुल मूवी 2021 की एक काफ़ी अवेटेड मूवी है, जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन, जो कि निभाने वाले हैं इंडिया के बिगेस्ट स्कैम के मास्टरमाइंड हर्षद मेहता का रोल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैम के मास्टरमाइंड हर्षद मेहता के परिवार के बारे में,
जैसा कि हम जानते हैं कि हर्षद मेहता की साल 2001 में डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से, और तब से उनके परिवार इंडिपेंडेंट रह रहा है। हर्षद मेहता की पत्नी यानी ज्योति मेहता, जो कि हर्षद मेहता की डेथ के बाद उनकी अकेली बेनिफिशरी बची थी, ज्योति को काफ़ी ज़्यादा कोर्ट के लीगल बैटल्स का सामना करना पड़ा था और हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता के साथ मिलकर एक टैक्स अपीलेट बना था जो कि था लगभग 2000 करोड़ रुपए। लेकिन दोनों को ही इस टैक्स क्लाउड से फ्री कर दिया गया था और दो साल पहले यानी कि 2019 में ज्योति मेहता ने एक केस जीता फेडरल बैंक और स्टॉक ब्रोकर किशोर जनानी के खिलाफ, जिन्हें हर्षद मेहता के से 6 करोड़ रुपए लौटाने थे। और अब ये केस जीतने के बाद किशोर और फेडरल बैंक को ये अमाउंट ज्योति मेहता को देनी है, वो भी 18% इंटरेस्ट के साथ। रिपोर्ट्स के अनुसार ज्योति मेहता और उनके बेटे अतुल मेहता दोनों ने ही मुंबई को छोड़ दिया है और सब कुछ छोड़कर वो अमेरिका चले गए हैं, इस उम्मीद से कि वो लोग एक नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे इन सभी टेंशन और मीडिया से दूर। और इसी वजह से अतुल मेहता ने कभी अपनी पब्लिक अपीयरेंस नहीं रिवील करी है और ना कभी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा एक्टिवनेस शो की है। इसी के साथ काफ़ी आर्टिकल्स में ये भी बताया गया है कि स्क्वायर ऑफ नाम की एक कंपनी के कोफाउंडर और सीईओ जिनका नाम है अतुल मेहता, वही हर्षद मेहता के बेटे हैं, जिसको ना करते हुए अतुल मेहता ने ट्वीट भी किया था कि वो हर्षद मेहता के किसी भी तरह का रिलेशन शेयर नहीं करते हैं, जस्ट नाम सेम है उनका और हर्षद मेहता के बेटे का। आपके इस मूवी के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सिमिलैरिटी है अभिषेक बच्चन और प्रतीक गांधी में, जिससे कि उन्हें हर्षद मेहता का रोल निभाने में आसानी हो सकती है। क्या अभिषेक का गुजराती बैकग्राउंड से होना फिल्म के लिए सहायक है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीक्रैश वीडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहाँ हम आज बात करेंगे कुकी गुलाटी द्वारा तैयार की गई फिल्म बिग बुल के बारे में। बिग बुल फिल्म इंडिया के स्टॉक मार्केट के एक सबसे बड़े फ्रॉड या फिर कहें स्कैम के असली मास्टरमाइंड हर्षद मेहता के ऊपर बेस्ड फिल्म है। और इस फिल्म में हर्षद मेहता का रोल निभाने वाले हैं अभिषेक बच्चन और इनके साथ होंगी निकिता दत्ता, जो कि निभाएंगी रिपोर्टर सुचिता दलाल का रोल, और सोहम शाह, जो कि निभाएंगे हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता का रोल। हर्षद मेहता के ऊपर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 में हमने हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी को देखा था, जो कि एक बड़ा नाम होने के बावजूद इतनी ज्यादा शानदार तरीके से इस फिल्म में हर्षद मेहता का रोल निभाया। और आपको बता दें कि हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता का कहना था कि उन्हें कई बार प्रतीक गांधी में हर्षद मेहता ही नजर आते थे। हर्षद मेहता गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखते थे और वही प्रतीक गांधी और अभिषेक बच्चन भी गुजराती बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं और वो दोनों गुजराती फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। तो एक गुजराती टोन जो कि सबसे पहली डिमांड थी, वो अभिषेक और प्रतीक दोनों में ही भरपूर थी। जहाँ हर्षद मेहता के किरदार में प्रतीक गांधी को रातों रात स्टार बना दिया, वही अभिषेक बच्चन को इस तरह के एक सीरियस रोल में देखने में बेहद मजा आने वाला है। अभिषेक बच्चन को लूडो में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली थी और उनके अभिनय की काफ़ी तारीफ भी की गई थी, और अब वो निभाने वाले हैं हर्षद मेहता का किरदार। प्रतीक गांधी के किरदार को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और प्रतीक ने बताया था कि हंसल मेहता ने प्रतीक के काम को देखा है और वो अच्छे से जानते थे कि उन्हें प्रतीक से किस तरह का इमोशंस चाहिए। तो वही अब देखते हैं कि कुकी गुलाटी और अभिषेक बच्चन किस तरह से हर्षद मेहता के किरदार को पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि द बिग बुल फिल्म हर्षद मेहता की लाइफ के 10 क्रूशियल सालों को दिखाने वाली है और दिखाएगी कि आखिर हर्षद मेहता की जिंदगी में कैसे कैसे अप्स एंड डाउन्स आए 1980 से लेकर 1990 तक। खैर, आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हो और कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए खत्म करें ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल
तो दोस्तों, क्या द बिग बुल मूवी स्कैम 1992 वेब सीरीज के फेम के अंडर तैयार की गई है प्रॉफिट को देखते हुए? आखिर क्यों बिग बुल मूवी को लगातार पोस्टपोन किया जा रहा है? अच्छा दोस्तों, ये बताइए, क्या आपने स्कैम 1992 देखी थी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एक बार। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में और हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। और आज हम बात करने वाले हैं कोकी गुलाटी की अपकमिंग मूवी द बिग बुल के बारे में। तो बिग बुल मूवी के लीड रोल में हमें देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन, जो कि निभाएंगे बिग बुल यानी कि हर्षद मेहता का रोल। हर्षद मेहता को तो आप सभी जानते ही होंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हर्षद मेहता का रोल। और हर्षद मेहता का नाम लेते ही सबके दिमाग में एक म्यूजिक जोर जोर से बजने लगता है, और साथ ही साथ एक ही नाम जुबान पर आएगा और वो है स्कैम 1992 का। तो स्कैम 1992 वेब सीरीज इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल वेब सीरीज है और इस सीरीज को हर तरह की रेटिंग्स में फुल पॉइंट्स मिले हैं। और कोकी गुलाटी की अपकमिंग मूवी द बिग बुल, जो कि हर्षद मेहता पर बनी एक मूवी है, उसको बेहद ट्रोल किया जा रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मूवी स्कैम 1992 की सक्सेस से इंस्पायर होकर बनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। बल्कि स्कैम 1992 और बिग बुल दोनों के मेकर्स इस चीज से वाकिफ हैं कि वो लोग सेम तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। बिग बुल हर्षद मेहता की सक्सेस स्टोरी के ऊपर बनी एक 2 घंटे की मूवी है, तो वहीं स्कैम 1992 हर्षद मेहता की लाइफ के बारे में बनाई गई 10 घंटों की एक 10 एपिसोड वाली वेब सीरीज है। बिग बुल मेकर्स का कहना है कि उन्हें पता था कि हंसल मेहता इस वेब सीरीज को बना रहे हैं, और वहीं बिग बुल भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही थी, मगर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कैम 1992 वेब सीरीज इतना ज्यादा बड़ा नाम कर जाएगी और इतनी ज्यादा शानदार वेब सीरीज होगी। बिग बुल मूवी की रिलीज डेट असल में स्कैम 1992 से पहले तय की गई थी, मगर कोरोना वायरस के चलते मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया था और फिर अक्टूबर तक शिफ्ट कर दिया गया, और फिर मूवी को दोबारा शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि मूवी मेकर चाहते थे कि स्कैम 1992 वेब सीरीज की हाइप के चलते उनकी मूवी को अफेक्ट ना हो, जिस वजह से उन्होंने मूवी को होल्ड पर रखा था। लेकिन अफसोस, जैसे उन्होंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और स्कैम 1992 की फॉलोइंग अब भी वैसे की वैसी ही है। और मेकर्स ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो इस मूवी को 2021 में रिलीज जरूर कर देंगे, क्योंकि उसको ज्यादा देर तक होल्ड करना भी ठीक नहीं है। आपके इस मूवी से कैसे एक्सपेक्टेशन है और आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन, आखिर क्या फर्क होगा वेब सीरीज स्कैम 1992 और द बिग बुल मूवी के बीच में? बिग बुल मूवी हर्षद मेहता की माइंड गेम्स के बारे में होगी या उनके लाइफस्टाइल के बारे में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए कहें कुछ अनकहा, सुनाए कुछ अनसुना। स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जो स्टॉक मार्केट के सबसे शानदार मास्टरमाइंड के बारे में, जिन्हें स्टॉक मार्केट का बच्चन कहा जाता था, और उनका सबसे मशहूर टैग था द बिग बुल। स्टॉक मार्केट के बिग बुल यानी कि हर्षद शांति लाल मेहता की लाइफ के ऊपर बनी मूवी है द बिग बुल। द बिग बुल मूवी इसी साल 2021 में रिलीज की जाएगी, जिसमें हर्षद मेहता के रोल में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2020 में आई एक वेब सीरीज जो कि हर्षद मेहता की लाइफ पर ही आधारित थी, वो बहुत ही ज्यादा वायरल और एक सक्सेसफुल और आज तक की बेस्ट वेब सीरीज रही है, जिसका नाम था स्कैम 1992। उस वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट, स्टोरी और म्यूजिक सबको बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है। और आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे बिग बुल मूवी अलग है स्कैम 1992 से।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्कैम 1992 वेब सीरीज 10 एपिसोड में डिवाइड है और मूवी का वॉच टाइम 8 आवर्स से भी ज्यादा है, और वही द बिग बुल मूवी 1-2 घंटे की मूवी होने वाली है। स्कैम 1992 सीरीज ने जहां हर्षद मेहता की पूरी लाइफस्टाइल को दिखाया कि कैसे हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में एंटर हुए और कैसे धीरे धीरे वो सक्सेस करते रहे और लाइफ में आगे बढ़ते रहे, तो वहीं बिग बुल मूवी, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो मूवी का मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है, हर्षद मेहता के बिग बुल बनने के बाद की जिंदगी की, कैसे उन्हें बिग बुल का टैग मिला और साथ ही उन्हें उस पोजीशन को मेंटेन किया इस मूवी में दिखाया जाएगा, और उन्हें कैसे इस पोजीशन से गिराया गया और उनको स्कैम के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि जहां स्कैम 1992 में हर्षद के जीरो टू हीरो और उसके बाद हीरो टू जीरो का सफर, तो वहीं बिग बुल मूवी उनकी लाइफस्टाइल को एक शॉर्ट तरीके से दिखाएगी और बेसिक फोकस रखेंगे उनके स्टॉक मार्केट में लगाए गए माइंड गेम्स के ऊपर और किस तरह वो इतने लंबे समय तक स्टॉक मार्केट पर राज करते रहे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी करना मत भूलिए। मैं पलक गुप्ता तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं कहे कुछ अनकहा सुनाए कुछ अनसुना का सिलसिला। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्षद मेहता, जो कि इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट थे, उनकी लाइफ स्टोरी पे बनी मूवी द बिग बुल के बारे में। द बिग बुल मूवी एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि हर्षद मेहता की लाइफ स्टोरी में आए एक्सपर्ट और शानदार स्टॉक मार्केट में लगाए गए माइंड गेम्स को बखूबी दर्शाएगी। मूवी का टाइटल है द बिग बुल, और बिग बुल यानी कि हर्षद मेहता अपने शानदार काम और स्टॉक मार्केट में माइंड गेम से एक के बाद एक कारनामे करने वाले हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट में बिग बुल कहा जाता था, और उनको स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। जी हाँ, उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन, आपने सही सुना, ये भी कहा जाता था। दरअसल बात कुछ ऐसी है, वो जैसे जैसे उनकी तरह आगे बढ़ी, उनके दुश्मन उनको नीचे गिराने के लिए और भी ज्यादा शिद्दत से लग गए थे काम पे। द बिग बुल मूवी में यही दिखाया जाएगा कि आखिर हर्षद मेहता का मनी मेकिंग स्टाइल कैसा था और किस तरह वो हर बार अपने स्टॉक से शानदार कमाई करते थे। हर्षद मेहता की सबसे ज्यादा जानी मानी ट्रिक्स, जिसको हमने स्कैम 1992 वेब सीरीज में भी देखा था कि हर्षद मेहता बैंक से बहुत बड़े अमाउंट में पैसे लेते थे और फिर उन्हीं पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा देते थे और उन पैसे से दुगना प्रॉफिट कमाकर बैंक को पैसे वापस कर देते थे। यानी कि अगर उन्होंने बैंक से 200 करोड़ रुपए लिए तो वो उन पैसों को 400 करोड़ तक बनाकर 200 बैंक को वापस कर देते थे और बाकी पैसे तो उनकी कमाई हो जाती थी। स्टॉक मार्केट बेहद रिस्क से भरी हुई फील्ड है, और मगर फिर भी हर्षद मेहता को इस जगह महारत हासिल हो गई थी। द बिग बुल मूवी हर्षद की इन्हीं सब टेक्निक्स और उनके लगाए गए माइंड गेम्स को दर्शाने वाली मूवी होगी, और देखना ये है कि मूवी मेकर्स किस तरह हर्षद मेहता के किरदार को पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि स्कैम 1992 के हर्षद मेहता और उनके डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा चर्चित और फेमस है और ऑडियंस ने उन सभी डायलॉग्स को बेहद पसंद किया है। बिग बुल मूवी में हर्षद की मनी मेकिंग स्कीम को किस तरह दिखाया जाएगा वो मूवी अपने पे ही पता चल पाएगी। तब तक के लिए आपके इस मूवी के बारे में और उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब खत्म करें ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा सुनाने का कुछ अनसुना, और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिक्की ने, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप अगले वीडियोस में किस फिल्म या सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। आखिर क्यों हर्षद मेहता हर बार प्रॉफिट कमाने में सफल रहते थे? कहां से लाते थे वो स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए इतने पैसे?
हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए कहें कुछ अन कहा, सुनाए कुछ अन सुना। आप सबका स्वागत है बॉलीग्राह स्टूडियोज की इस वीडियो में। मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। और आज हम बात करेंगे हर्षद मेहता, जो कि इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट थे, उनकी लाइफ स्टोरी पे बनी फिल्म द बिग बुल के बारे में। द बिग बुल फिल्म एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो कि हर्षद मेहता की लाइफ स्टोरी में आए एक्सपर्ट और शानदार स्टॉक मार्केट में लगाए गए माइंड गेम्स को बखूबी दर्शाएगी। फिल्म का टाइटल है द बिग बुल, और बिग बुल यानी कि हर्षद मेहता अपने शानदार काम और स्टॉक मार्केट में माइंड गेम से एक के बाद एक कारनामे करने वाले हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट में बिग बुल कहा जाता था, और उनको स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। जैसे जैसे उनकी तरक्की आगे बढ़ी, उनके दुश्मन उनको नीचे गिराने के लिए और भी ज्यादा शिद्दत से लग गए काम पर। द बिग बुल मूवी में हमने ये देखा कि आखिर हर्षद मेहता का मनी मेकिंग स्टाइल कैसा था और किस तरह वो हर बार अपने स्टॉक से शानदार कमाई करते थे। हर्षद मेहता की सबसे ज्यादा जानी मानी ट्रिक, जिसको हम स्कैम 1992 वेब सीरीज में भी देख चुके हैं, वो ये थी कि हर्षद मेहता बहुत बड़े अमाउंट में पैसे लेते थे बैंक से, और फिर उन्हीं पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, और उन पैसों से दुगना प्रॉफिट कमा कर बैंक्स को वो वापस कर देते थे। यानी कि अगर उन्होंने बैंक से 200 करोड़ रुपए लिए, तो वो उन पैसों को 400 करोड़ तक बनाकर बाकी के 200 बैंक को वापस कर देते थे, और बाकी पैसा उनकी कमाई होती थी। स्टॉक मार्केट बेहद रिस्क से भरी हुई फील्ड है, मगर फिर भी हर्षद मेहता को इस जगह महारत हासिल हुई थी। द बिग बुल फिल्म हर्षद की इन सभी टेक्निक्स से और लगाई गए माइंड गेम्स को दर्शाने वाली है। आपको बता दें कि ये देखना है कि फिल्म के मेकर्स किस तरह से हर्षद मेहता के किरदार को पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि स्कैम 1992 के हर्षद मेहता और उनके डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा चर्चित और फेमस है, और ऑडियंस ने उन सभी डायलॉग्स को बेहद पसंद किया है। बुल फिल्म में हर्षद मेहता की मनी मेकिंग स्कीम को किस तरह दिखाया जाएगा, वो तो अब ये फिल्म आने पर ही पता चलेगा। खैर, आपके इस बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए ख़त्म करें ये सिलसिला, कहने का कुछ अन कहा और सुनाने का कुछ अन सुना। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्राह स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के स्क्रिप्ट राइटर हैं अभिषेक मिक्की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। स्कैम 1992 वेब सीरीज के बाद क्या बिग बुल मूवी को ऑडियंस का प्यार मिलेगा? आखिर किस तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है इस मूवी के ऊपर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए कहे कुछ अन कहा, सुने कुछ अन सुना। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम और आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आज मैं बात करेंगे अभिषेक बच्चन की अपकमिंग मूवी द बिग बुल, जो कि इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की कहानी के ऊपर बेस्ड है। अब देश का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट आज तक रहा है हर्षद मेहता, और हर्षद मेहता की लाइफ के ऊपर एक वेब सीरीज ऑलरेडी हम सभी ने देखी है, जिसका नाम है स्कैम 1992। इस सीरीज में हर्षद मेहता की पूरी जिंदगी दिखाई गई है कि कैसे वो कुछ नहीं से धीरे धीरे सब कुछ की तरफ सफर तय करते हैं, और इस सफर में उनके किस तरह की मुसीबतों के सामना करना पड़ा, और कैसे उन्होंने उन सब को फेस करते हुए सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाए, और उनके दुश्मनों ने उन्हें गिराने की कोशिश की। अब स्कैम 1992 वेब सीरीज की सुपर डुपर हिट सक्सेस के बाद इस वेब सीरीज का बिग बुल मूवी के ऊपर दो तरह का असर हो सकता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पहला नेगेटिव को डिस्कस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं स्कैम 1992 एक बहुत ही ज्यादा लंबी वेब सीरीज है, और वहीं दूसरी तरफ बिग बुल मूवी 2 से 3 घंटों की मूवी होगी, और इसमें उतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं होगा हर्षद मेहता के बारे में जिस तरह से स्कैम 1992 में था, और इसी वजह से इन दोनों क्रिएशन को आपस में बहुत ही ज्यादा कंपेयर और जज किया जा रहा है, और रिलीज से पहले ही मूवी को बहुत हेट मिल रहा है। अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। तो स्कैम 1992 के बाद लोगों में हर्षद मेहता का बेहद ज्यादा हाइप है, और वो लोग कहीं ना कहीं बिग बुल मूवी में वो सब दोबारा देखना पसंद करेंगे, और वो भी देखने में मजा आएगा। अब स्कैम 1992 की फैन फॉलोइंग काफी आराम से बिग बुल की रेटिंग को बढ़ा सकती है, क्योंकि काफी ऑडियंस ऐसी होगी जो स्कैम 1992 देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाएगी बिग बुल फिल्म को देखने के लिए। आप इस मूवी के बारे में और इसके कंसेप्ट के बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अन कहा और सुनने का कुछ अन सुना, और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ। बॉलीवुड की सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए क्यों बिग बुल के मूवी मेकर्स ने मूवी को दोबारा पोस्टपोन कर दिया,
क्या रिएक्शन है ऑडियंस का इस मूवी के ऊपर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम और आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में। चलिए कहे कुछ अन कहा सुने कुछ अन सुना। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां आज मैं बात करने वाली हूं डायरेक्टर कोकी गुलाट की अपकमिंग मूवी के बारे में और ये मूवी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और ये आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे, अभिषेक बच्चन की अपकमिंग मूवी द बिग बुल। अब बिग बुल शब्द से काफी लोग उनके एक अंदाजा तो लगा ही लिया होगा और ये अंदाजा बिल्कुल सही है कि अभिषेक की अपकमिंग मूवी द बिग बुल है हर्षद मेहता की लाइफ के बारे। अब तक ये मूवी रिलीज भी नहीं हुई है, मगर अभी से इस मूवी का हर्षद मेहता के डायरेक्शन में बनी सुपरहिट वेब सीरीज स्कैम 1992 के साथ कंपेयर किया जा रहा है और मूवी के काफी हेट भी मिल रहा है। स्कैम 1992 वेब सीरीज के फैंस का मानना है कि बिग बुल मूवी स्कैम 1992 जितनी अच्छी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि बिग बुल के मूवी मेकर्स को पता था हर्षद मेहता के इस वेब सीरीज के बारे में, लेकिन शायद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि स्कैम 1992 वेब सीरीज इतनी ज्यादा हिट और सक्सेसफुल सीरीज बन जाएगी। और वहीं प्रतीक गांधी की शानदार एक्टिंग ऐसी थी कि लगा ही कि वो खुद ही हर्षद मेहता है। बिग बुल मूवी को 2020 में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया। तो वो सही स्कैम 1992 वेब सीरीज लॉकडाउन में रिलीज हुई और उस सीरीज की हाइप और सक्सेस बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से राइज करती चली गई। मूवी मेकर्स का प्लान था कि मूवी को दिसंबर में रिलीज किया जाना है, लेकिन उस प्लान को अब ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि मूवी मेकर्स का प्लान था कि स्कैम 1992 का क्रेज कम होने पे इस मूवी को पेश किया जाएगा। लेकिन स्कैम 1992 का क्रेज ऑडियंस पे इतना ज्यादा है कि बिग बुल मेकर्स अभी भी मूवी के रिलीज को लेकर चिंता में है। कहीं ना कहीं मूवी के लिए ये एक प्रॉफिटेबल मूव भी हो सकता है क्योंकि स्कैम 1992 लवर्स तो बिग बुल मूवी को देखना जरूर पसंद करेंगे। अब देखना यह है कि बिग बुल मेकर्स ने 2 घंटे की इस मूवी में हर्षद मेहता की कहानी को किस तरह से दिखाया है। आप इस मूवी के बारे में और किस कंसेप्ट के बारे में क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करते हैं ये सिलसिला कहने का कुछ अन कहा और सुनने का कुछ अन सुना और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिकी ने। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए कहे कुछ अन कहा सुने कुछ अन सुना। When would Big Bull release? Who will play the Harshad Mehta in Big Bull? Who scam 1992 concept clash with Big Bull? अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में भी हैं और इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि एक बायोग्राफी ऑफ 1980 से लेकर 1990 तक के फाइनेंशियल स्कैम के ऊपर। अब जैसे ही स्कैम शब्द सुना आपने तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया होगा और वो है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, हर्षद मेहता की कहानी के ऊपर बनी ये वेब सीरीज बेहद शानदार है और ऑडियंस में बहुत ज्यादा पसंद की गई। भारत की सबसे सक्सेसफुल वेब सीरीज है और हर्षद मेहता की कहानी के ऊपर की गई एक फिल्म के तैयार जिसका नाम था द बिग बुल। अब ये नाम सुनते ही आप सभी को भी स्कैम 1992 के प्रतीक गांधी की एक्टिंग और पूरी वेब सीरीज याद आ गई होगी और यही डर है फिल्म बिग बुल के प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के दिल में, क्योंकि स्कैम 1992 बहुत ही ज्यादा शानदार वेब सीरीज है और ऑडियंस ने अभी से ही इस मूवी में बिग बुल की तुलना स्कैम 1992 से करनी शुरू कर दी है, क्योंकि स्कैम 1992 बहुत ही ज्यादा शानदार वेब सीरीज है और ऑडियंस ने अभी से इस मूवी बिग बुल की तुलना स्कैम 1992 से करनी शुरू कर दी है और मेकर्स को अपनी मूवी के ऊपर काफी विश्वास है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें स्कैम 1992 की पॉपुलैरिटी का भी काफी डर है। इस मूवी में कास्ट किए गए हैं अभिषेक बच्चन जो कि निभाने वाले हैं हर्षद मेहता का किरदार और अभिषेक बच्चन को भी प्रतीक गांधी से कंपेयर किया जा रहा है और बिग बुल मूवी को आने से पहले ही काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मूवी मेकर्स को स्कैम 1992 के बैन के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था होगा कि हंसल मेहता द्वारा डायरेक्टेड स्कैम 1992 इतनी ज्यादा शानदार और फेमस हो जाएगी कि पब्लिक में सीरीज को लेकर एक अलग ही तरह का हाइप तैयार हो जाएगा। पहले ये मूवी दिसंबर 18, 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया इस सोच से कि शायद वक्त के साथ साथ स्कैम 1992 का क्रेज थोड़ा कम हो जाए,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मूवी मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो इस मूवी को 2021 की शुरुआत में ही रिलीज डेट अनाउंस करने के बाद रिलीज कर देंगे, क्योंकि वो इस मूवी को अब ज्यादा आगे तक पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपका इस मूवी को लेकर क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए खत्म करें ये सिलसिला, कहने का कुछ अन कहा और सुनने का कुछ अन सुना, और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट के राइटर हैं अभिषेक निकी। बुल स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी वेब सीरीज से अलग कैसे है, बिग बुल के बारे में क्या दिलचस्प होगा? बॉलीग्राड स्टूडियोज में सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत है। सोनी लिव और वेब सीरीज द्वारा कुछ शानदार लेखन और अच्छे अभिनय का उपयोग करके भारत के पहले प्रमुख फाइनेंशियल फ्रॉड की कहानी का खूबसूरती से वर्णन करता है। वेब सीरीज 1980 और 90 के बॉम्बे में स्थापित है। यह हर्षद मेहता के जीवन की कहानी बताता है, जिन्होंने शेयर बाजार में बुलंदियों तक पहुंचाया और पकड़े गए, जिसके कारण उनकी तबाही हुई। शो की शुरुआत हर्षद मेहता की विनम्र शुरुआत से होती है और वह मुंबई के दलाल स्ट्रीट के बिग बुल जाते हैं। शो के प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमाटोग्राफी भी उच्च गुणवत्ती हैं, क्योंकि क्रू हमें प्रभावशाली रूप से बीते हुए समय की याद दिलाती है। 70 के दशक के उत्तराधर, 80 और 90 के दशक में शुरुआती दिनों को बॉम्बे वर्तमान मुंबई से बहुत अलग था। यह अब मौजूद नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों की यादें अभी भी हैं। यह शो अभी पुराने गौरव को फिर से बनाने में एक शानदार काम करता है, ताकि शहर खुद की कहानी को एक पात्र बन जाए। दोनों प्रोजेक्ट हर्षद मेहता के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक तरफ अभिषेक बच्चन बायोपिक में द बिग बुल का किरदार निभा रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्र पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता हंसल मेहता अपनी वेब सीरीज में कुछ ऐसे लोगों को दिखाए गए। प्रतीक गांधी ने हंसल मेहता की वेब सीरीज में बेइज्जत स्टॉक ब्रोकर की भूमिका निभाई है। अभिषेक बच्चन की फिल्म बिग बुल की रिलीज बहुत दूर नहीं है और यह इसे और अधिक दिलचस्प बनाती है, क्योंकि सीरीज और फिल्म के बीच का समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए दर्शकों ने फिल्म को देखते समय सीरियस को भुलाया नहीं होगा। यह स्वाभाविक रूप से उन्हें दोनों की तुलना करने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा बिग बुल एक फिल्म है, इसलिए यह सीमा को बाधित करता है। इसे दिखाए जाने वाले विवरणों की मात्रा सीमित है। जब पार्ट स्क्रीन पर कुछ प्रेषित होता है तो सीरीज फॉर्मेट आमतौर पर बेहतर होता है। अभिषेक ने दिल्ली में द बिग बुल के लिए शूटिंग की, जहां उन्होंने पहले दिल्ली 6 और झूम बराबर झूम जैसी फिल्मों की शूटिंग की थी। फिल्म की कहानी एक ऐसे उदाहरण की है जिसने भारत के स्टॉक मार्केट को बदल दिया है। अजय देवगन द्वारा समर्पित फिल्म में इलियाना डिक्रूजा प्रमुख भूमिका में होगी, हालांकि अभिषेक के साथ उनकी जोड़ी नहीं बनाई जाएगी। बॉलीग्राड स्टूडियोज को देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल के नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कितनी एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है संस्कृति जलन ने। आखिर क्यों पड़ा हर्षद मेहता का नाम बिग बुल? ऐसा क्या हुआ था जो हर्षद मेहता को बैन किया गया था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो आज हम आपको बिग बुल से जुड़ी कुछ बातें बताने वाले हैं, तो आइए जानते हैं हर्षद मेहता से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स। अपने करियर की शुरुआत में हर्षद ने सीमेंट, हीरे आदि बेचने से संबंधित विभिन्न नौकरियों की कोशिश की। जब उन्होंने न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL में एक सेल्स पर्सन के रूप में अपना करियर शुरू किया, तो उन्हें स्टॉक मार्केट में रुचि हुई। शुरुआती दिनों में उन्होंने हरजीवन दास नेमिदा सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म में काम किया था। उन्होंने प्रसन्न प्रजीवन दास, जो कि एक दलाल था और उनको अपना गुरु माना, इस कंडीशन के बावजूद कि वह भारत के सबसे बड़े घोटालेबाजों में से एक था। वर्ष 1992 में हर्षद मेहता ने भारत में सबसे अधिक इनकम टैक्स दिया था और केतन पारेख उनकी कंपनी में इंटर्न थे। केतन पारेख मुंबई के एक और स्टॉक ब्रोकर थे और 1998 से 2001 के अंत तक हुए भारतीय शेयर बाजार में हेरा फेरी घोटाले में शामिल होने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। वह हर्षद की कंपनी में एक इंटर्न था और बाद में केतन ने हर्षद से कुछ डर्टी ट्रिक सीखी, और एक क्रिकेट प्रेमी भी थे हर्षद मेहता। बहुत कम लोग जानते थे कि हर्षद एक क्रिकेट प्रेमी थे। वह अपने खाली समय में क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं। हर्षद अपने स्कूल के क्रिकेट टीम में भी थे, जो रायपुर में था। केवल 40 रुपए के साथ मुंबई आए थे हर्षद। रायपुर मध्य प्रदेश में अब एक बहुत गरीब परिवार से थे, और जब वह पढ़ाई के लिए स्कूल जाने और काम खोजने के बाद मुंबई गए, तो उनकी जेब में भी केवल सिर्फ 40 रुपए थे। और अगले 8 वर्षों के लिए उन्होंने कई अजीब कार्य भी किए।
1984 में BSE में एक ब्रोकर के रूप में शामिल हुए और वर्ष 1984 में हर्षद मेहता एक ब्रोकर के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी शामिल हो गए। उन्होंने अपनी फर्म ग्रो मोज रिसर्च और एसेट मैनेजमेंट की स्थापना की और 1990-1991 के दौरान मीडिया ने उन्हें द बिग बुल कहना शुरू कर दिया। उन्होंने वॉर्ली में एक स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्स के साथ 15,000 फीट का पेंट हाउस खरीदा। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को रिश्वत भी दी। मेहता ने 16 जून 1993 को फिर से हंगामा किया जब उन्होंने एक सार्वजनिक घोषणा की कि उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए चंदा के तौर पर दिया है ताकि उनका नाम स्कैम से हटा दिया जाए। भारतीय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड द्वारा बैन हर्ष वर्ष 2001 में एक संक्षिप्त दिल की बीमारी के कारण थाने जेल में ही मृत्यु होने पर उनके खिलाफ कई मुकदमे भी अभी तक जारी हैं। उनके खिलाफ 28 मामले दर्ज हुए हैं और मार्केट वॉच डॉग और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उन्हें घोटाले के एक चलते जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया था। बिग बुल को देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि एक ये वास्तविक जीवन अपराधी के जीवन पर आधारित है जिसने घोटाला किया था। इसके अलावा कहानी इस बात के इर्द गिर्द घूमेगी कि कैसे वह शेयर बाजार में आया और कैसे उसने पैसे कमाने के लिए सिस्टम में लूप होल्स का इस्तेमाल किया। फिल्म के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म हसीना पारकर की तरह यहाँ भी मुख्य अभिनेता एक अपराधी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट संस्कृति जलन ने लिखी। क्या कनेक्शन है स्कैम 1992 और द बिग बुल में? क्या 1992 का स्कैम जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक शामिल है? कब रिलीज होने वाली है द बिग बुल? क्या था हर्षद मेहता स्कैम और क्यों है ये आजकल चर्चा में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म द बिग बुल के बारे में। द बिग बुल एक अपकमिंग मूवी है जिसे देखने के लिए लोगों की उत्सुकता बहुत ही बढ़ गई है स्कैम 1992 के बाद। जी हाँ, द बिग बुल हर्षद मेहता के लाइफ पर बेस्ड बन रही मूवी है। हर्षद मेहता जिस पर ऑलरेडी एक वेब सीरीज बन चुकी है और जो कि धमाकेदार हिट रही है, तो अब देखना यह है कि द बिग बुल में ऐसी क्या खास बात है कि एक बायोग्राफिकल मूवी बतौर आ रही है। हर्षद मेहता एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो कि स्टॉक ब्रोकर का काम करता था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में हर्षद मेहता ने अपनी चालाकी और होशियारी से बहुत पैसा कमा लिया था। इतना पावरफुल हो गया था कि वो कंट्रोल कर रहा था पूरे इंडिया के मार्केट को। लेकिन 1992 में एक स्कैम बाहर आया और ये स्कैम इतना बड़ा था कि RBI खुद इस स्कैम के बारे में बात करने से डर रही थी। ये स्कैम का पूरा एस्टिमेशन 5,000 करोड़ रुपीस के लगभग से था और ये इंडियन स्टॉक मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है और कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज का इस स्कैम को जिम्मेदार हर्षद मेहता को मानती है। लेकिन इस स्कैम में सबसे बड़ा नाम उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव का आया था। बहुत सी इंक्वायरी के बाद प्राइम मिनिस्टर का नाम इस स्कैम से निकाला गया क्योंकि कोई प्रूफ प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं मिले। लेकिन हर्षद मेहता ने लगभग 70 केसेस जिसमें से सिर्फ 4 केसेस में हर्षद मेहता आरोपी साबित हो पाए थे। द बिग बुल के लीड एक्टर हैं अभिषेक बच्चन और इस सवाल की शुरुआत में ही उन्होंने द बिग बुल का पोस्टर लॉन्च करके इसकी जानकारी दी थी। ये मूवी 23 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाली थी थिएटर्स में, लेकिन पेंडेमिक के चलते मूवी डिले हो गई और अभी तक ऑफिशियल फिल्म की कोई आगे की रिलीज डेट नहीं दी है। लेकिन मूवी अब थिएटर पे नहीं डिज्नी हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म की आधी शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इस साल के शुरुआत में ही, लेकिन जब शूटिंग वापस शुरू करने की बात आई तब बच्चन परिवार कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग अभी तक बंद है। लेकिन खबर आ रही है कि शूटिंग जल्द ही ट्रैक पर आने वाली है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है कूकी गुलाटी, जिन्होंने विवेक ओबेरॉय की प्रिंस मूवी डायरेक्ट की थी। प्रिंस बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और उस फिल्म के गाने आज तक हमारे प्लेलिस्ट में चलते हैं। कूकी गुलाटी की ये तीसरी मूवी है। 2010 में प्रिंस मूवी के बाद उनकी पहली फिल्म होगी। कूकी गुलाटी पूरे 10 साल फिल्म इंडस्ट्री से गायब रहे और अब उनका ये कमबैक कितना शानदार होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अजय देवगन और अजय देवगन बतौर प्रोड्यूसर बड़े ही प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर रहे हैं और अब तक और लोग भी बिना बने रहेंगे हमारी उम्मीद है। और इस फिल्म में कास्ट कर रहे अभिषेक बच्चन, जिन्होंने हर्षद मेहता का किरदार निभाया है।
साथ में हर्षद मेहता की वाइफ का रोल इलियाना डी क्रूज, जिन्होंने ज्योति मेहता का किरदार निभाया है, और इस मूवी का एक है और मैं एक कैरेक्टर सुचेता दलाल का रोल निकिता दत्ता भी निभाने वाली है, जिसमें हम सभी ने कबीर सिंह में एक्ट्रेस का रोल करते हुए देखा होगा। फिल्म के कास्टिंग का डायरेक्टर कुके गुलाटी ने खुद बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि इस फिल्म में हर्षद मेहता एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अभिषेक बच्चन को कास्ट किया गया है। अगर आपने अभिषेक बच्चन की मानी रत्नाम डायरेक्ट गुरु मूवी देखी हो तो आपको पता चल जाएगा अभिषेक बच्चन इस कैरेक्टर के लिए सही क्यों है। गुरु मूवी में उनका कैरेक्टर बतौर बिजनेसमैन बहुत ही कमाल का रहा है और शायद इसी वजह से डायरेक्टर कुके गुलाटी ने अभिषेक बच्चन को इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया है। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर हैं चंदन सक्सेना, जिन्होंने सिम्बा, बत्तीगुल, मीटर चालू जैसी मूवीज में काम किया है। हर्षद मेहता के असल में एक नहीं तीन भाई थे, लेकिन स्कैम 1992 में स्टोरी को थोड़ा फिक्शनल किया गया था, लेकिन इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि शायद द बिग बुल पूरी तरह से रियल स्टोरी बेस्ड रहे या फिर स्कैम 1992 से हटकर बिग बुल की स्टोरी में कोई ऐसा बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न हो जिसे देखकर ऑडियंस दंग रह जाए। स्कैम 1992 के बाद ऑडियंस तो अभी से ही इस मूवी के लिए उत्सुक है और सोशल मीडिया पर इस मूवी को लेकर कुछ अच्छे और कुछ बुरे चर्चे चल रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कौन से घोटाले के चक्कर में फंस गए हैं बॉलीवुड के स्टार अभिषेक बच्चन? दोस्तों क्या इन दिनों वे चोरी छुपे शेयर बाजार में लगा रहे हैं अपना पैसा? जी हाँ, आज हम आपको यही बताएंगे इस वीडियो में कि क्यों अभिषेक बच्चन आजकल शेयर बाजार में ले रहे हैं इतना इंटरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा अरोड़ा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज पर। दोस्तों इन दिनों अभिषेक बच्चन काफी बिजी चल रहे हैं और वो भी क्यों ना, कोरोना से जंग जीतने के बाद ही जूनियर बच्चन अपनी आने वाली फिल्मों के चलते बिजी हो गए हैं। सूत्रों के माने तो उनकी वेब सीरीज ब्रीद इन द शैडो की सफलता के बाद से ही अभिषेक और भी तेजी के साथ अपनी फिल्मों की तैयारियों में जुट गए हैं। उनकी आने वाली फिल्म से एक जो बड़ा नाम सुनने में आया है वो है अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म द बिग बुल। दोस्तों फिल्म की कहानी गुजरात में एक छोटे से बिजनेसमैन के बेटे हर्षद मेहता की है। अगर आप शेयर बाजार के बारे में जानकारी रखते हैं तो उम्मीद है कि हर्षद मेहता का नाम आपने जरूर सुना होगा। असल में हर्षद मेहता वह नाम है जो शेयर बाजार के बड़े घोटाले में शामिल रहा है। ब्रोकर हर्षद मेहता के घोटाले के चलते 1990 के दशक में देश का फाइनेंस मार्केट बुरी तरह से हिल गया था और लाखों लोग के पैसे भी डूब गए थे। दोस्तों अब इसी घोटाले को लेकर फिल्म द बिग बुल जल्द ही बनने जा रही है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन शेयर ब्रोकर हर्षद मेहता का किरदार निभा रहे हैं और ये फिल्म हर्षद मेहता के जीवन और उनके द्वारा किए गए फाइनेंशियल क्राइसिस पर आधारित होने वाली है। दोस्तों इस फिल्म में 1990 और 2000 के बीच हुई शेयर बाजार के एक्चुअल इवेंट्स दिखाए जाने वाले हैं। लेकिन फिल्म के नाम बिग बुल के पीछे क्या है कहानी? दरअसल हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट के बुल रन शुरू किया था। हर्षद मेहता ने 1980 से लेकर 90 के दशक में स्टॉक मार्केट की दिशा ही बदल डाली थी। लेकिन बाद में हर्षद मेहता ने करीब 4000 करोड़ का घोटाला किया और इसकी वजह से तमाम शेयर होल्डर्स के सपने भी टूट गए। दोस्तों इस घोटाले के लिए बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना किया। मेहता थाने जेल में बंद था। वहीं 31 दिसंबर 2001 को 47 की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन कौन से होंगे वो सितारे जो इस फिल्म में काम करने जा रहे हैं और क्या रोल होगा सबका? दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि अभिषेक बच्चन ही हर्षद मेहता का रोल करने वाले हैं। अभिषेक के अलावा फिल्म में इलियाना डी क्रूज का भी अहम रोल होगा। इसके अलावा राम कपूर, निकिता दत्ता और लेखा प्रजापति भी फिल्म में नजर आएंगी। ये फिल्म अजय देवगन फिल्म्स के बैनर तले बनी है। अजय देवगन ने फिल्म में प्रोड्यूसर भी हैं और ये फिल्म को बनने और इसकी पब्लिसिटी आदि में कुल 85 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। दोस्तों इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर दिखाया जाएगा। लेकिन कौन है हर्षद मेहता और क्यों बन रही है इस पर ये फिल्म? हर्षद एक गुजराती बिजनेस फैमिली से थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में ही पूरी करी थी और यहीं पर हर्षद की पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की और वही दौर था जब उसकी रुचि शेयर बाजार में हुई। दोस्तों हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसोर्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी भी शुरू कर दी। उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप भी ले ली। चलिए अब ये तो जान लिया कौन थे हर्षद मेहता, तो अब ये जानते हैं कि क्या घोटाला किया था उन्होंने। 1992 में हर्षद मेहता के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि हर्षद मेहता बैंक से एक दिन 15 दिन का लोन लेता था और इसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था।
साथ ही साथ 15 दिन के अंदर वो बैंक को प्रॉफिट के साथ पैसा लौटा भी देता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता था, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए थे। मेहता पर 72 चार्ज लगाए गए और लगभग सिविल केस फाइल हो गया। दोस्तों, पिछले साल अभिषेक बच्चन ने 16 दिसंबर को फिल्म बिग बुल का पोस्टर लॉन्च किया था, यानी लगभग एक साल बाद उन्होंने 18 अगस्त को अब इलियाना डिक्रूज के लुक वाला पोस्टर जारी किया है। तो क्या अभिषेक बच्चन को लगता है कि वो फिल्म गुरु की कामयाबी दोहरा पाएंगे? दूसरा बिग बुल चुकी मशहूर शेयर ब्रोकर हर्षद मेहता की जिंदगी पर आधारित है, तो लेडी किरदार का हर्षद मेहता की जिंदगी में क्या काम है? दोस्तों, ऐसे में इलियाना का रोल माना जा रहा है कि हर्षद मेहता की बीवी या गर्लफ्रेंड का नहीं बल्कि इस फिल्म में हीरो का है। उन दिनों फाइनेंस फील्ड की बड़ी तेजतर्रार पत्रकार थी सुचिता दलाल, बाद में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। उनको श्रेय दिया जाता है हर्षद मेहता के शेयर घोटाले का उजागर करने का, और यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये रोल होगा इलियाना के नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस पहले भी फिल्म में गुरु में अभिषेक ने एक बिजनेसमैन का रोल किया था, और जो कि एक सुपरहिट फिल्म रही थी। जिस तरह गुरु फिल्म में आपने देखा होगा कि अभिषेक के किरदार के पीछे माधवन का जर्नलिस्ट किरदार लगा रहता है, उसी तरह हर्षद मेहता के पीछे भी सुचिता दलाल है। उसकी हर हरकत को बेनकाब करने के लिए तो लगता है फिल्म में ज़रूर इलियाना एक नए रोल के साथ अपनी क्यूट चार्मिंग इमेज को बदल कर रख देंगी। तो आपको क्या लगता है, मणिरत्नम की गुरु को टक्कर दे पाएगी? और क्या अभिषेक एक बार फिर से अपनी एक्टिंग स्किल्स से अपने फैंस को भरोसा जीत पाएंगे? हमें अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कब होगी फिल्म द बिग बुल रिलीज? कौन कौन से एक्टर्स होने वाले हैं इस फिल्म की कास्ट में? दोस्तों, हर्षद मेहता के वित्तीय अपराधों पर बनी फिल्म द बिग बुल तैयार है रिलीज के लिए। फिल्म में अभिषेक बच्चन मुख्य किरदार निभा रहे हैं। उनका साथ दे रही हैं निकिता दत्ता, इलियाना डिक्रूज, सुमित वत्स, राम कपूर और सोहम शाह। दोस्तों, फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं फूकी गुलाटी, जिन्होंने पहले 2010 में आई फिल्म प्रिंस को भी डायरेक्ट किया था, और फिल्म के निर्माता हैं अजय देवगन। ये घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी कि फिल्म हॉटस्टार पर रिलीज होगी, लेकिन कब? कहा जा रहा है कि 23 अक्टूबर को देख सकते हैं हम सब ये फिल्म अपने अपने डिवाइसेस की स्क्रीन पर। वैसे तो किसी ऑफिशियल तारीख की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि फिल्म इसी साल 23 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी। दोस्तों, फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाली अदाकारा निकिता दत्ता, आप सबने उनको कबीर सिंह में ज़रूर देखा होगा, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई टेलीविजन सीरियल्स भी किए हैं। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों, निकिता दत्ता का जन्म 13 नवंबर 1990 को नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन क्योंकि उनके पिता इंडियन नेवी में हैं, उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन विशाखापट्टनम, मुंबई और कोची में बिताया। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज दोनों की पढ़ाई मुंबई से की है। अपने करियर की शुरुआत निकिता ने जूम टीवी पर एक एंकर के तौर पर करी थी, एक म्यूजिक रिक्वेस्ट शो के साथ। उससे पहले 2012 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में भी भाग लिया था, और वो उस प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट भी रही। उस साल इस किताब की विजेता वान्या मिश्रा बनी थी। दोस्तों, फिल्मी करियर की शुरुआत निकिता ने 2014 में की थी लेकर हम दीवाना दिल के साथ। इस फिल्म में अरमान जैन और दीक्षा सेठ ने मुख्य किरदार निभाए हैं। दोस्तों, फिल्म में निकिता का किरदार तो छोटा सा था, लेकिन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने जानना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दस्तक दी टेलीविजन की दुनिया में सीरियल ड्रीम गर्ल के एक लड़की दीवानी के साथ। ये सीरियल एक साल तक चला। उसके बाद वो कुछ और सीरियल्स जैसे कि एक दूजे के वास्ते, हासिल और लाल इश्क में भी नजर आई, लेकिन लाल इश्क के बाद उन्होंने टीवी से हमेशा के लिए विदा ले लिया। दोस्तों, फिल्मों में कमबैक उन्होंने 2018 की फिल्म गोल के साथ किया। फिल्म में उन्होंने सिमरन का किरदार निभाया था। उसके बाद उन्होंने कबीर सिंह और गुंजन सक्सेना जैसी फिल्मों में भी एक्टिंग का दम दिखाया। कबीर सिंह में उनके किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। दोस्तों, 2016 में उन्होंने शो एक दूजे के वास्ते छोड़ दिया था क्योंकि उनकी तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन जब वो शो में वापस लौटी तब उन्हें पता लगा कि शो ही कुछ समय में बंद होने वाला है। बहुत सारे फैंस ने उन्हें इसका कारण बताया और कहा कि उनके शो से जाने की वजह से उन्हें बिग बॉस में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन बाद में उन्होंने इन सब बातों को साफ कर दिया और बताया कि वो बिग बॉस में नहीं आने वाली हैं और ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है। दोस्तों, निकिता को एक्टिंग के साथ साथ योगा का भी बहुत शौक है। उनका कहना है कि अगर वो एक्टर ना होती तो योगा इंस्ट्रक्टर ही बनती। वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हैं, लेकिन कभी कभी उनका भी चीट डे होता है जब वो कुछ ना कुछ मीठा खा लेती हैं। उनके सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म कबीर सिंह से मिला और अब फिल्म द बिग बुल के साथ।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यानी बॉलीग्राज स्टूडियोज के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन थे वो लोग जिन्होंने उठाया स्टॉक मार्केट का फायदा, कैसे चली उन्होंने अपनी चाल, तो क्या आप जानते हैं अभिषेक बच्चन की अपकमिंग मूवी फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, कौन है आखिरकार हर्षद मेहता और क्या है उनकी दिल दहला देने वाली कहानी। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ इस सफर पर मेरे साथ। मैं हूँ निशी तनवर बॉलीग्राड स्टूडियोज से आप सभी के साथ फिर से। तो शुरुआत करते हैं हर्षद मेहता की स्टोरी से। आपको बताती हूँ 1980 टू 1990 ये दशक इंडिया के स्टॉक मार्केट का बदलता फेज था। जब पहली बार हर्षद मेहता की कहानी सामने आई तो लोगों की समझ के बाहर थी, कैसे एक आदमी का दिमाग उसे करोड़पति बना सकता है, और वही दिमाग वाला आदमी जब लालच के गड्ढे में गिरता जाए तो उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। हर्षद मेहता की रियल लाइफ स्टोरी किसी पिक्चर की कहानी से कम नहीं है। हर्षद शांतिलाल मेहता वॉज बोर्न ऑन 29 जुलाई 1954 इन अ गुजराती जैन फैमिली इन पानेरी मोटी राजकोट डिस्ट्रिक्ट। मेहता कंप्लीटेड हिज बीकॉम फ्रॉम लाजपत राय कॉलेज मुंबई इन 1976 एंड उसके बाद अगले 8 साल उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की। ड्यूरिंग दिस टाइम ही बिकेम इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड अपनी कंपनी से रिजाइन करके उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन की। इन 10 सालों में अपने कॉन्टैक्ट्स पर काम करते हुए उन्होंने अलग अलग ब्रोकरेज कंपनी में हाई पोजीशन पर काम संभाला। जब वो ब्रोकर प्रसान पंजीवनदास के अंडर काम कर रहे थे उन्होंने इस काम की ABCD समझ ली और 1984 में अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर डाली जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। हैरान होने वाली बात है कैसे एक आदमी जो 40 रुपये लेकर गुजरात से बॉम्बे आया उसने देश को 4,000 करोड़ का चूना लगाया, कैसे एक आदमी जो शेयर होल्डर्स के लिए सोने की चाबी था उनको धोखा देकर खुद अरबपति बन गया। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंटिल अर्ली 90s इंडिया में बैंक्स को शेयर मार्केट में डायरेक्टली निवेश करना अलाउड नहीं था। RBI के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हर बैंक को कुछ रिजर्व रेशो को मेंटेन करके रखना होता था। इसी खेल में मेहता ने अपना कमाई का साधन ढूंढ लिया। टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स मेहता क्लेवरली रिमूव्ड द कैपिटल फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम एंड पुट दिस मनी इन द स्टॉक मार्केट। ही मैनेज्ड टू कन्विंस द बैंक टू हैव द चेक्स ड्रॉन इन हिज नेम। He would then transfer the money deposited in his account into stock markets. Harshad Mehta then took advantage of the broken system and took the scam to new levels. और इसके बदले में वो बैंक्स को हाई इंटरेस्ट का वादा कर भारी मात्रा में पैसे उठा लिया करते थे। बैंक्स को ये पैसा निवेश करने का एक आसान तरीका लगता था और मेहता डील के हिसाब से हर बैंक को उनका शेयर समय पर दे दिया करते थे और इस गेम से कई बैंक्स के बीच पैसा घुमाता रहता था। एक तरीके से पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट मेहता के हाथ की कठपुतली बन गई थी। मीडिया ने मेहता को द बिग बुल एंड द रेजिंग बुल जैसे नाम से बुलाना शुरू किया और तो और ही वॉज नोन एज द अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट। साथ ही दूसरा बड़ा स्कैम था फर्जी बिल रिसिप्ट बनाने का। ही वॉज एबल टू फोर्ज BRs। द BRs दैट वर फोर्ज वर नॉट बैक्ड बाई एनी सिक्योरिटीज। दिस मेंट दैट दे वर जस्ट पीसेज ऑफ पेपर विद नो रियल वैल्यू। दिस इज सिमिलर टू अ सिचुएशन जहां आप लोन ले सकें बिना कुछ गिरवी रखे। हर्षद मेहता फर्दर वुड पंप दिस मनी इन टू द स्टॉक मार्केट इंक्रीजिंग दिस अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस। हर्षद मेहता काउंटर्ड दिस बाय पंपिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट टू कीप द डिमांड अप। He argued that the market has simply corrected an undervalued stock when it revalued the company at a price equivalent to the cost of building a similar enterprise. Unhone is fictitious theory ka naam diya replacement cost theory. This theory was an illusion he resented to the public to justify his investments. Such was his influence that his words would be blindly biased unbugged in the stock market. इसी स्कैम के बीच हर्षद मेहता इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन गए।
और स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। उन्होंने ACC नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका शेयर 200 रुपीस का था और कुछ दिनों में ही एक शेयर का दाम 9000 को छू लिया। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट पेंट हाउस जो उन्होंने मुंबई में खड़ा कर दिया से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक ने उन्हें एक बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया था। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ स्मॉल ब्रोकर इज कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग सो मच एंड अर्निंग करोड़ विद एवरी इन्वेस्टमेंट। एक सवाल जिसने हर्षद मेहता की जिंदगी बदल दी थी, आखिर एक छोटे ब्रोकर के पास इतना पैसा आया कहां से? 1992 में हर्षद मेहता का ये सीक्रेट एक्सपोज किया टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने। सुचेता दलाल टोल्ड दैट हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लिया करता था और वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया करता था और 15 दिन के अंदर अंदर ही वो बैंक का पैसा ब्याज के साथ वापस कर दिया करता था। ऑल्दो देयर वाज नो स्कीम फॉर अ लोन फॉर 15 डेज, पर हर्षद मेहता के लिए बैंक्स ने अपने रूल्स ही बदल दिए थे। वो एक दिन का लोन भी लेने लगा फर्जी BR बनाकर। हर्षद मेहता वुड मेक अ फेक BR फ्रॉम वन बैंक आफ्टर विच ही यूज्ड टू गेट इजी मनी फ्रॉम अदर बैंक्स ऑल्सो। इस बड़े भांडा फोड़ के बाद सभी बैंक्स हर्षद से अपना पैसा वापस मांगने लगे, साथ ही उन पर 72 क्रिमिनल चार्जेस भी लगे और 600 से भी अधिक सिविल वायोलेशन केसेस भी उन पर लगाए गए। इसके बाद भी इस आदमी का लालच नहीं रुका क्योंकि लोगों को तभी भी उसके पैसा कमाने की कला पर यकीन था। अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लग गया और बताने लगा कि किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए और किस में नहीं। हालांकि बाद में इस बात का खुलासा भी हुआ कि वो सिर्फ उन शेयर्स में निवेशकों को पैसा लगाने को कहता था जहां उसका खुद का पैसा फंसा हुआ था, जिससे शेयर का प्राइस बढ़े और वो अपना पैसा निकाल पाए। बचने के हर तरीके से निराश हो हर्षद ने पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव पर ही 1 करोड़ रिश्वत खाने का इल्जाम लगा दिया, जिसको कांग्रेस ने उसी समय खारिज कर दिया। मेहता एंड हिज ब्रदर्स वर अरेस्टेड बाय CBI ऑन November 9, 1992 ऑन चार्जेस ऑफ अ स्कैम ऑफ मोर देन 2.8 मिलियन शेयर्स ऑफ अबाउट 90 कंपनीज, एलिजिंग पेमेंट ऑफ ब्राइब्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यूं तो मेहता पर बहुत सारे केसेस लगाए गए पर उन्हें सिर्फ एक केस में दोषी पाया गया और वो 5 साल की सजा साथ ही 25,000 का फाइन देने का ऑर्डर दिया गया। थाने जेल में वो अपनी सजा काट ही रहे थे, अचानक उन्हें 2001 में दिल के दर्द शिकायत के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। फिर भी कई लोग हैं जो मानते हैं कि हर्षद मेहता डिड नॉट कमिट एनी फ्रॉड, ही सिंपली एक्सप्लॉइटेड लूपहोल्स इन द सिस्टम। अब फिल्म में देखना होगा कि इस कहानी को किस तरीके से अभिषेक आप सभी के सामने लाएंगे। इससे पहले शेयर बाजार पर बनी फिल्म बाजार, जिसमें सैफ अली खान नजर आए थे, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर गई थी। अब जब बात हो रही है स्कैम्स की, तो 5 बिगेस्ट स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स मैं आपको बताती हूँ। स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें हुए स्कैम्स की बात तो होनी लाजमी है। स्कैम इज बेसिकली अ प्रोसेस जिससे सामने वाले को डिसीव करके वन कैन ऑब्टेन मनी फ्रॉम हिम। ये स्कैम्स इतने मेजर होते हैं कि वो स्टॉक मार्केट्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ उसमें जो हजारों लाखों लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके ट्रस्ट इश्यूज की तरफ भी लीड करता है। इन्हीं फ्रॉड्स में से आज हम बात करेंगे 5 सबसे बड़े फ्रॉड्स की। द 1992 स्कैम। तो 1992 स्कैम है हर्षद मेहता का स्कैम, जिसके बारे में अभी हमने अच्छे से बात की है। तो आगे बढ़ेंगे तो अगला स्कैम है केतन पारेख स्कैम। हर्षद मेहता के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट केतन पारेख के भी सेम प्लान्स थे। केतन हर्षद मेहता के अंडर ही एज अ ट्रेनी काम करते थे पहले, इसलिए उन्हें हर्षद मेहता के स्कैम का एयर भी कहा जाता है। हालांकि हर्षद ने सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अपना टारगेट बनाया था, बट केतन ऑल्सो ऑपरेटेड अलाहाबाद स्टॉक एक्सचेंज एंड कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। He purchased large stakes in small market capitalization companies and hiked their prices through circular trading with other traders.
Just after the release of Union Budget of India, Bombay Stock Exchange crashed 176 points. उसी वक्त RBI ने पे ऑर्डर्स क्लियर करने से मना कर दिया था और साथ ही उन्होंने केतन पारेख पर इन्वेस्टिगेशन भी कर दी थी. He sold off the ownership of K10 stocks जो उन्होंने 2 साल से हाइक कर रखे थे. He also dumped his stocks in a large scale to escape from this. इसी वजह से अगले दिन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, which resulted in large scale losses, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स भी शामिल थे. इसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के इन्वेस्टिगेशन में ये पता लग गया था कि केतन वॉज इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलर ट्रेडिंग. एज अ रिजल्ट उन्हें 1 साल के लिए जेल हो गई थी, साथ ही उन्हें स्टॉक ट्रेडिंग से भी मना कर दिया गया था. उसके बाद उन्हें स्पेशल CBI कोर्ट ने चीटिंग के जुर्म में 2 साल की और कड़ी सजा सुनाई थी. अगले स्कैम की बात करें तो वो है सत्यम स्कैम. सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर रामालिंगा राजू ने जनवरी 2009 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कन्फेस किया था अबाउट द मैनिपुलेशन डन बाय हिम इन द अकाउंट्स ऑफ कंपनी. वो इस कॉरपोरेट स्कैंडल में 2003 से 2008 तक इन्वॉल्व थे. ये एस्टिमेट लगाया जाता है दैट फ्रॉड टुक प्लेस अराउंड 5000 करोड़ ऑफ कैश बैलेंसेस एज द कंपनी वाज फॉल्सिफाइंग रिवेन्यूज मार्जिन्स. सत्यम के स्टॉक प्राइसेस ड्रास्टिकली नीचे गिरते गए आफ्टर दिस इंसिडेंट. फरवरी 2009 में ये केसेस CBI को हैंडओवर कर दिया गया था. फिर अप्रैल 2015 में ही वाज कन्विक्टेड अलॉन्ग विद 10 अदर मेंबर्स. अगले स्कैम की बात करें तो वो है नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड वॉज अ कमोडिटी एक्सचेंज विच वॉज प्रमोटेड बाय जिग्नेश शाह. ऑल्सो टुक श्रीकांत जवलगेकर अंडर दिस स्कैम. This happened in 2013 involving Financial Technologies India Limited. In funds ko ignorant investors se procure kiya gaya tha, they were siphoned off. ये इसलिए मुमकिन था क्योंकि बहुत सारी कॉमोडिटीज़ के ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑन पेपर हो रहे थे, बल्कि असल में दे वर गेटिंग यूज्ड फॉर पर्सनल गेन्स. CBI ने जिग्नेश शाह के रेजिडेंट के साथ साथ NPSEL का और उनके बोरोअर्स के ऑफिस में भी रेड डाल दी थी. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी NPSEL से ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन किए थे, जिसके नोटिस पे NPSEL ने रिप्लाई किया था, बट फिर भी मिनिस्ट्री ने इस 5600 करोड़ के स्कैम पर 1 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया था. अगला स्कैम है सहारा इंडिया परिवार स्कैम. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिस्ट्रेन्ड द सहारा ग्रुप फ्रॉम रेजिंग फंड्स इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. सहारा ने इसके बाद उस केस ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट में सॉल्व करवाने की कोशिश करी, बट SEBI इशूड एडवर्टाइजमेंट्स कॉशनिंग इन्वेस्टर्स एंड देन इट लेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेइंग दैट SEBI हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन. फिर जून 2012 को SEBI ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया दैट सहारा हैड नो राइट टू मोबिलाइज ₹27,000 करोड़ फ्रॉम इन्वेस्टर्स थ्रू OFCD विदाउट कॉम्प्लाइंग टू द नॉर्म्स ऑफ द मार्केट रेगुलेटर. ये केस आगे बढ़ता गया एंड ऑन फरवरी 2014 सुब्रता रॉय द पर्सन बिहाइंड सहारा इंडिया परिवार उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. He couldn't appear in the Supreme Court. Then he and the 2 other directors were put in Tihar Jail. July 2015 में SEBI ने सहारा के म्यूचुअल फंड बिजनेस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था. लेटर ऑन मई 2016 में उन्हें परोल पर तिहार जेल से रिहा किया गया, बट टिल देन द अमाउंट ऑफ 40,000 करोड़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वॉज इम्पोज ऑन द सहारा इंडिया परिवार. ये बात करते हैं अभिषेक बच्चन की अपकमिंग मूवी द बिग बुल. 23 अक्टूबर को हम सब के नज़दीकी सिनेमा हाउसेज में रिलीज होने वाली है. दिस मूवी इज लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता. हर्षद मेहता को 1992 में 72 फाइनेंशियल क्राइम्स के साथ चार्ज किया गया था. इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम यही है. इसने इंडियन बैंकिंग सिस्टम और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लूप होल्स को भी अच्छे से एक्सपोज किया था. के बाद SEBI ने स्टॉक मार्केट में जितने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उतने आज तक कभी नहीं हुए.
Investment in equity shares are subject to market risk. Please read the given documents carefully. ये disclaimer अक्सर सुनने को मिलता है रेडियो या टीवी पर, लेकिन आखिर है क्या ये स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार किसी लिस्टेड कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने या बेचने की जगह है। हमारी कंट्री में दो स्टॉक एक्सचेंज है, फर्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE। 1992 का हर्षद मेहता स्कैम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कंपनीज को फर्जी स्टॉक्स खरीदवा के किया गया था। क्या आपको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड? 5615 कंपनीज लिस्टेड हैं BSE में। सिर्फ यही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे 1875 में प्रेमचंद रॉयचंद नाम के बिजनेसमैन ने एस्टेब्लिश किया था। यकीन मानेंगे कि स्टॉक ब्रोकर्स की मीटिंग की शुरुआत सिर्फ 22 लोगों से हुई थी, जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के डिस्कशन करते थे। फिर 10 साल बाद 1874 में फाइनली उन्हें एक परमानेंट लोकेशन मिली अपने इन शेयर रिलेटेड मीटिंग के लिए। नई जगह का नाम दलाल स्ट्रीट पड़ गया, जिसे मुंबई में आज भी सी नाम से जाना जाता है। इंडिया में आम नागरिक का स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन सेटिस्फैक्ट्री लेवल से बहुत कम है। 2.5% से भी कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। चाइना में अराउंड 10% कॉमन पीपल और USA में 18% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो फिर इंडिया में इतने कम परसेंटेज क्यों हैं? रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन दो रीजंस यही हैं कि लोगों को शेयर्स के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, और दूसरी कि लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ज़्यादातर कंजर्वेटिव इंडियंस तब तक इन्वेस्ट नहीं करते जब तक उन्हें कोई ये गारंटी ना दे दे कि इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क फ्री है। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क फ्री जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता है। इंडिया में NSE और BSE के अलावा 21 और स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। राजकोट में भी एक स्टॉक एक्सचेंज था इससे पहले, सौराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, लेकिन 2007 में SEBI ने उसे डिसअप्रूव कर दिया ड्यू टू इट्स पैसिव वर्किंग। ये वाला फैक्ट खास क्रिकेट फैंस के लिए है। डू यू नो कि जब भी इंडियन क्रिकेट टीम एक भी वनडे इंटरनेशनल मैच हार जाए तो हमेशा स्टॉक मार्केट गिरता है, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ज़्यादा रन्स नहीं बना पाते हैं तो स्टॉक मार्केट 20% से भी ज़्यादा रेट से गिर जाता है। सचिन तेंदुलकर की फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी उम्मीदें हैं लोगों को उनसे, इसका अच्छा से एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। इंडिया में सबसे महंगा शेयर MRF का है, यानी टायर बनाते बनाते कंपनी अपनी गाड़ी काफ़ी आगे तक ले गई है। MRF का एक शेयर ₹69,000 से भी ज़्यादा का है, और सबसे सस्ता शेयर सूरत टेक्सटाइल्स का है। अच्छा गैस करिए कि कितना हो सकता है, 200, 300, अच्छा कम से कम 100 तो होगा ही। हमारी कंट्री में सबसे सस्ता स्टॉक सिर्फ ₹2.36 का है। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1602 में एम्स्टरडैम में इस्टेब्लिश हुआ था बाय डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे का है, और एक स्टॉक की वैल्यू $284,900 यानी ₹1.85 करोड़ है। तो फिर कितने स्टॉक्स खरीदने की सोच रहे हैं आप? वाली मंथ अक्टूबर यानी हैप्पीनेस और टुगेदरनेस वाला मंथ, लेकिन वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में अक्टूबर को जिंक्स मंथ यानी मनहूस महीना कहा जाता है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े क्रैशेस साल 1929 और 1987 में इसी महीने में हुए थे। 1929 में ब्लैक ट्यूसडे में मार्केट 25% गिर गया था, वहीं 1987 में ब्लैक मंडे को 22%। लेकिन इंडिया में दिवाली के टाइम पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है स्टॉक मार्केट में, यानी अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो दिवाली इज़ द बेस्ट टाइम। सिर्फ अकेले मुंबई का 60% टर्नओवर है इंडियन स्टॉक मार्केट में, सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड सिटी ऑफ शेयर्स एज वेल। न्यू दिल्ली का टर्नओवर 2.7% और बैंगलोर, जिसे सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसका टर्नओवर सिर्फ 0.4% है। अब पड़ोस वाली शर्मा जी और गुप्ता जी की तरह हमें भी अपने पड़ोसियों से रिलेटेड बातें जानने में मज़ा तो काफ़ी आता है, चाहे पड़ोसी कंट्रीज चाइना या पाकिस्तान ही क्यों ना हो।
इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी TCS, जिसके इंटरव्यू में हर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एक ना एक बार तो बैठता ही होता है, उसकी मार्केट वैल्यू कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 559 कंपनीज से भी ज़्यादा है। और ये नहीं, TCS का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ है, जो वर्ल्ड में 128 कंट्रीज के GDP से भी ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी सिंपल है, आपको बस एक ट्रेडिंग या डिमांड अकाउंट खुलवाना होता है जिसे किसी भी लीडिंग बैंक से। ये अकाउंट आपके रेगुलर बैंक अकाउंट से ही लिंक किया जाता है ताकि फंड्स ट्रांसफ़र करना आसान रहे। बियर और बुल दो ऐसे टर्म्स हैं जिनका यूज़ स्टॉक मार्केट में हर रोज़ ही होता है, लेकिन है क्या ये? प्लीज़ भालू और सांड मत कहना। बियर डिस्क्राइब करता है मार्केट में गिरावट और बुल बताता है मार्केट का बढ़ना या फिर अपवर्ड मूवमेंट। इन टर्म्स को इस्तेमाल करने का ये रीज़न है कि बुल अटैक विद इट्स हॉर्न्स अप इन द एयर यानी अपवर्ड मोशन एंड बियर अटैक्स वाइल स्वीपिंग डाउन यानी डाउनवर्ड्स मोशन। ऑल्सो बियर एंड बुल साउंड्स सो कूल नो। चलिए ये तो बात की थी हमने स्टॉक मार्केट आखिरकार होता क्या है, अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन की अपकमिंग मूवी और अभिषेक बच्चन की कुछ हिट फिल्मों के बारे में। अभिषेक बच्चन एक फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2000 से, जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था JP दत्ता की फिल्म रेफ्यूजी से। उनके करियर के स्टार्ट में उन्हें खास एप्रिसिएशन और हिट नहीं मिले, क्योंकि वो लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, इस वजह से उनसे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहती थी। पर अभिषेक ने भी हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। 4 साल के बाद उनके करियर ने 2004 में एक अलग टर्न लिया और उनकी फिल्म हिट होने लगी। बात करते हैं उनकी मूवी धूम के बारे में। 2004 में रिलीज हुई अभिषेक की पहली हिट फिल्म धूम ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी नाम कमाया और साथ ही में ऑडियंस को भी बहुत अट्रैक्ट किया धूम की। अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। ये फिल्म यशराज फिल्म्स के अंडर प्रोड्यूस हुई थी और ये उनकी पहली एक्शन मूवी थी जिसमें अभिषेक बच्चन लीड रोल प्ले कर रहे थे और उनके अपोजिट में थे जॉन अब्राहम। इस फिल्म की मेन ऑडियंस थी इंडियन यूथ। इस मूवी के बाद से ही स्ट्रीट रेसिंग, बाइक स्टंट्स और बाइक मॉडिफिकेशन जैसी चीज़ों का क्रेज यंग जनरेशन में देखने मिला। दूसरी मूवी है युवा। ये मूवी काफ़ी हिट हुई और उन मूवीज़ में से एक थी जिसकी वजह से अभिषेक बच्चन का करियर एक अलग टर्न ले पाया। इस मूवी को हिट मिला क्योंकि इसमें बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर मनी रत्नम और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान ने साथ में काम किया। मूवी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और अलग है, जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। इस मूवी की बेस्ट क्वालिटी ये है कि 3 अलग स्टोरीज के बारे में बताती है, जो कि आगे जाकर इंटरलिंक हो जाती है। पर मूवी में सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया जाता है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट बना रहता है। तीसरी मूवी होगी गुरु। ये मूवी 12 जनवरी 2007 में रिलायंस एंटरटेनमेंट और मद्रास टॉकीज के अंडर प्रोड्यूस हुई थी, जिसमें लीडिंग रोल अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, मिथुन चक्रवर्ती प्ले कर रहे थे। ये पहली मूवी थी जिसका इंटरनेशनल प्रीमियर हुआ था। इस मूवी की स्टोरी लाइन ने इसे काफ़ी सक्सेस दिलाई। जिस तरीके से डायरेक्टर मनी रत्नम ने इस मूवी के साथ काम किया है और एक पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चर की लाइफ को शो किया है, वो उसके कंसेप्ट को अलग बनाता है। इस मूवी के क्लाइमैक्स सीन में जिस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन ने पोर्ट्रे किया है, वो तारीफ के लायक है। अभिषेक ने पूरी मूवी के दौरान अपने कैरेक्टर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से जस्टिफाई किया है, जिस वजह से ये मूवी हिट हो पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी मूवी सरकार पे। ये मूवी बिना किसी डाउट के हिट थी, क्योंकि इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे थे अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन। राम गोपाल वर्मा ने इस मूवी में बहुत अच्छा काम किया और उनकी ये मूवी हॉलीवुड की
गॉडफादर फिल्म से इंस्पायर थी। मूवी का परसेप्शन और करेक्टर्स का पोर्ट्रेयल मूवी को एक अलग डायरेक्शन देता है। लाइटनिंग, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर मूवी को एक अलग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। पांचवी मूवी होगी हमारी बंटी और बबली। ये मूवी 2005 में आई थी और यशराज फिल्म्स के अंदर प्रोड्यूस हुई थी। इस मूवी का स्क्रीन प्ले उतना इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल नहीं था जिस हिसाब से मूवी को हिट मिला, पर बाकी कुछ चीज़ें थी जो मूवी को हिट बनाती हैं, जैसे इन रिच इन ड्रामा। द एंटायर मूवी इज बेस्ड ऑन हाई ड्रामा विच समवेयर अट्रैक्ट्स इट्स ऑडियंस। अभिषेक ग्रेसफुली कैरीज हिज कैरेक्टर विद अ परफेक्ट ट्रांजिशन ऑफ इमोशंस विच काइंड ऑफ ऑडियंस कुड कनेक्ट विद। मूवी के हिट होने की वजह लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन दोनों साथ में ही हैं। अगले हैं ब्लफ मास्टर। ये मूवी 2005 में आई थी और हिट हुई करेक्टर पोर्ट्रेयल की वजह से। स्टार्टिंग में काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स आए, पर जब ऑडियंस का एप्रिसिएशन देखा गया तो मूवी को हिट वर्डिक्ट मिला। स्टोरी का नरेशन भी काफ़ी अच्छा था और डायलॉग डिलीवरी लीडिंग एक्टर की वो भी कमेंडेबल थी। अगली मूवी है पा। ये मूवी 2009 में आई थी और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में भी बच्चन का डियो देखने को मिला। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन के बेटे का रोल प्ले किया था। हुआ ना ये अपोजिट। ये फिल्म एक हॉलीवुड मूवी जैक से इंस्पायर्ड है। आठवीं मूवी है दोस्ताना। ये मूवी 2008 में आई थी और इसकी स्टोरी लाइन का काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला था। परफॉर्मेंस सारे एक्टर्स की अच्छी थी, बट वो एक एलिमेंट जो मूवी को अलग बनाती है वो है होमोसेक्सुअलिटी। हिंदी सिनेमा में ऐसे टॉपिक को उस टाइम पर हाईलाइट करना काफ़ी ज़रूरी था। इट वॉज अ गुड वे टू कम्युनिकेट विद मास अबाउट समथिंग विच पीपल जनरली टेंड टू इग्नोर। अगली मूवी है बोल बच्चन। ये फिल्म 2012 में आई थी जो रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की थी। इसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, प्राची देसाई। अभिषेक ने इस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते फॉर बेस्ट कॉमेडी एक्टर इन द फिल्म के अंडर। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि उसका प्लॉट था कॉमेडी जॉनर बहुत, लेकिन उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स थे। लास्ट मूवी होगी हाउसफुल 3। ये मूवी टॉप 5 मूवीज में से थी 2016 की, जिसने अपनी कॉमेडी जॉनर से ऑडियंस को एंड तक एंटरटेन रखा। इस मूवी का हिट होने की वजह मेनली अक्षय कुमार थे, जिन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया। ये उनकी सेकेंड बिगेस्ट ओपनर बनी बॉलीवुड में। अभिषेक बच्चन और रितेश ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया। पेस, स्पीड, साउंड और डायलॉग डिलीवरी का भी बहुत रोल रहा इसको हिट बनाने में। मूवी के लिए पहले तो काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स आया, पर ऑडियंस को पसंद आने की वजह से इसे एक पॉजिटिव रिव्यू भी मिला। तो ये थी अभिषेक बच्चन के करियर की कुछ 10 हिट फिल्म्स। ऐसी ही न्यूज़ के लिए अभिषेक बच्चन की कौन कौन सी फिल्म जल्द आ रही हैं, बिग बुल में उनकी भूमिका इन फिल्मों से अलग कैसे है? बॉलीगार स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत है। अभिषेक बच्चन ने अपनी करियर की शुरुआत करीना कपूर के साथ रेफ्यूजी से की थी। अभिषेक की पहली कमर्शियल हिट फिल्म धूम थी, जिसमें उन्होंने पुलिस की भूमिका निभाई थी। काफी फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद भी अभिषेक ने अपनी वर्थ इंडस्ट्री में प्रूव किए। उन्होंने कई अच्छी फिल्में भी की, जैसे पा, गुरु, दोस्ताना, दम मारो दम, फिर मिलेंगे और बंटी और बबली। अभिषेक बच्चन दिव्या अन्नपूर्णा की फिल्म बॉब बिस्वास में नजर आएंगे, जो कि एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई। फिल्म में अभिषेक बच्चन, चित्रंगदा सिंह और अमर उपाध्याय नजर आएंगे। बॉब बिस्वास कहानी फिल्म की स्पिन ऑफ है। इस फिल्म में वो और दीपिका पादुकोण लीड में नजर आएंगे। अभिषेक संजय लीला भंसाली की फिल्म साहिल लुधियानवी बायोपिक में भी नजर आएंगे। अभिषेक इस फिल्म में एक मशहूर पोएट और लिरिसिस्ट की भूमिका निभाएंगे। साहिल लुधियानवी बॉलीवुड के एक जाने माने पोएट और लिरिसिस्ट थे। उन्होंने कई एवरग्रीन गाने लिखे, जैसे मैं पल दो पल का शायर हूँ और कभी कभी मेरे दिल में, जो कि अभिषेक के पिता की फिल्मों के। इस लार्जर देन लाइफ पिक्चर के लिए एक्टर काफी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने काफी वेट भी कम करा। हलचल और हंगामा जैसी फिल्में डायरेक्ट करने वाले निर्देशक प्रियदर्शन अपनी कॉमेडी ड्रामा फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, और अब वो एक कॉमेडी फिल्म भी बना रहे हैं जूनियर बच्चन के साथ, जो कि अभिषेक बच्चन। फिल्म एक फैमिली कॉमेडी फिल्म है जिसमें जूनियर बच्चन लीड रोल निभाते नजर आएंगे।
इस फिल्म का नाम बच्चन सिंह है और अभिषेक बच्चन इसमें करप्ट पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं। अभिषेक बच्चन की भूमिका साहिल लुधियानवी बायोपिक और द बिग बुल काफी हटके और अलग। अब्दुल हैज जो कि साहिल लुधियानवी के नाम से जाने जाते हैं एक इंडियन पोएट और फिल्म सॉन्ग लिरिसिस्ट है जो कि हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में लिखते हैं। उनका नाम बॉलीवुड सिनेमा में काफी मशहूर था। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट भी मिला था ताजमहल के लिए। उन्हें उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड कभी कभी के लिए मिला था और उन्हें पद्मश्री भी जीता गया। उनके गाने इंसान को भावुक और मगन मुक्त कर देता है। लोगों को उनके गाने आज भी पसंद है और इनके किरदार पर आज तक कोई फिल्म नहीं बनी है। ऐसे इंसान पर फिल्म बनाना एक अलग और हटके सोच ही है। बिग बुल में अभिषेक बच्चन हर्षद मेहता की भूमिका निभा रहे थे। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर थे जिन्होंने सिस्टम के फॉल्ट्स को यूज कर घोटाला किया और खूब पैसा कमाया। ये फिल्म हमें स्टॉक मार्केट के सिस्टम के डिफेक्ट्स को दिखाएगी और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और मजेदार भी होगा कि कैसे एक गरीब इंसान अपना दिमाग लगाकर सिस्टम के फॉल्ट्स को यूज कर पैसा कमाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर कौन थी सुचेता दलाल और आखिर क्यों हर्षद मेहता के फ्रॉड को स्कैम बनाकर मीडिया ने दिखाया? तो आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की इस वीडियो में। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्टर कूकी द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म बिग बुल के बारे में। बिग बुल एक ऐसी फिल्म है जो रियल लाइफ कहानी पर आधारित है और ये फिल्म और किसी पर नहीं बल्कि हर्षद मेहता पर आधारित है जो कि स्टॉक मार्केट के एक बहुत बड़े टाइकून कहलाए जाते हैं। इस फिल्म में उनके फ्रॉड्स के बारे में बताया गया है या फिर यूं कहो जिसको मीडिया ने स्कैम करार दिया था वो सब इस फिल्म में दिखाया गया है। और सिर्फ यही नहीं उनकी उन जिंदगी की मुश्किलों को भी दिखाया जाएगा जिनको लड़ते लड़ते वो अपनी जान गंवा बैठे। इस फिल्म में हर्षद मेहता की असल जिंदगी को दिखाया जाएगा यानी कि जितने भी लोग हर्षद मेहता की जिंदगी से जुड़े हुए थे उन सबको इस फिल्म का हिस्सा बनाया जाएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इस फिल्म में आखिर हर्षद मेहता का किरदार कौन निभाएगा। अब अगर ये फिल्म रियल लाइफ बेस्ड होने वाली है तो इस फिल्म में हर्षद मेहता कौन बनेगा? तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस रोल के लिए कास्ट किया गया है जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन को। अब आखिर इस फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन को क्यों चुना गया? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि जब उन्होंने अभिषेक बच्चन का इंटेंस किरदार फिल्म धूम की सीरीज में देखा तो उन्हें इस फिल्म में अभिषेक बच्चन को एज अ लीड कास्ट करने का सोच लिया और उन्होंने तभी इस फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन को फाइनलाइज कर दिया। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसे हर्षद मेहता के एक एक कमाए गए पैसे उनके पूरे बिजनेस की खबर थी और जिन्होंने उनकी कड़ी कड़ी की जानकारी रखी ताकि वो हर्षद मेहता को फंसा सके। और वो और कोई नहीं वो हैं सुचेता दलाल जिनका कैरेक्टर इस फिल्म में निभाएंगी निकिता दत्ता। सुचेता दलाल दोस्तों वही शख्स हैं जिन्होंने हर्षद मेहता के फ्रॉड्स को एक खास नाम दिया जो कि था स्कैम और इस सब के चलते वो हर्षद मेहता को फंसाने में कामयाब रही और उन्हें जेल भिजवाने में भी। मूवी बिग बुल से जुड़ा एक और नाम जो काफी सामने आ रहा है वो होने वाला है सोहम शाह यानी कि इस फिल्म में सोहम शाह हर्षद मेहता के बड़े भाई का किरदार निभाएंगे यानी कि वो इस फिल्म में अश्विन मेहता बनेंगे। अश्विन मेहता एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने भाई हर्षद मेहता का हमेशा साथ दिया उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट से जुड़ी कुछ रिलीज। क्या स्कैम 1992 से पिट सकती है बिग बुल? क्या अभिषेक बच्चन के पास है ये आखिरी मौका बॉलीवुड में टिके रहने का? नमस्कार दोस्तों मैं हूं वेदिका शुक्ला आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रिलीज होने वाली मूवी बिग बुल की जो स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की क्राइम स्टोरी में बनी फिल्म है। हर्षद शांतिलाल मेहता एक जाना माना नाम है जो 1992 में मार्केट मैनिपुलेटर के नाम से फेमस हो गया था। 1992 में हुए इंडियन सिक्योरिटी स्कैम में हर्षद मेहता का नाम सुर्खियों में आया था। हर्षद मेहता के ऊपर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 को लोगों ने बहुत ही पसंद किया जिसके लीड रोल में एक्टर प्रतीक गांधी ने अपनी उम्दा एक्टिंग के लिए बहुत ही तारीफ बटोरी। अब डायरेक्टर कुकी गुलाटी हर्षद मेहता की स्टोरी को दिखाने वाले हैं जिस मूवी का टाइटल है बिग बुल। अब तक गुलाटी ने सिर्फ 2006 में आई विवेक ओबरॉय फरदीन खान अमृता राव ईशा देओल स्टारर फिल्म
प्यारे मोहन और 2010 में आई विवेक ओबरॉय, संजय कपूर, दिलीप ताहिल स्टारर फिल्म प्रिंस को ही डायरेक्ट किया है। बिग बुल गुलाटी की तीसरी मूवी होगी एज अ डायरेक्टर। अजय देवगन FF फिल्म्स और पैनारोमा स्टूडियोज के अंदर बनाने वाली मूवी बिग बुल को अजय देवगन, आनंद पांडे, विक्रांत शर्मा और कुमार मगंत पाठक प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बात करते हैं कास्ट की, तो इस मूवी में लीड रोल में अभिषेक बच्चन होंगे जो हर्षद मेहता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अपने करियर की स्टार्टिंग से अब तक के सफर में बहुत ही अनसक्सेसफुल फिल्म के बाद साल 2020 में अभिषेक एज अ एक्टर बहुत ही अच्छा रहा। अभिषेक ने ब्रेथ इनटू द शैडोज सीजन 1 से OTT प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया और इस सीरीज में लोगों ने उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ भी करी। इसके बाद अभिषेक फिल्म लूडो में भी सब को हंसाते हुए नजर आए। बिग बुल के अलावा वो इस समय बॉब बिस्वास की शूटिंग में बिजी हैं। साथ ही खबर आई है कि वो जल्द अनुराग कश्यप की गुलाब जामुन फिल्म में भी नजर आएंगे। फिल्म में इलियाना डिक्रूज ज्योति मेहता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी, जो कि हर्षद मेहता की वाइफ थी। इलियाना की बॉलीवुड में लास्ट मूवी 2019 में आई पागलपंथी थी। खबर ये है कि बिग बुल के बाद इलियाना फिल्म अनफेयर एंड लवली की शूटिंग स्टार्ट करेंगी। हर्षद मेहता को अपने आर्टिकल के जरिए एक्सपोज करने वाली सुचिता दलाल का रोल निकिता दत्ता निभा रही हैं। निकिता दत्ता फेमिना मिस इंडिया 2012 की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं, जिन्हें टेलीविजन शो ड्रीम गर्ल में लक्ष्मी के किरदार निभाने के बाद लोकप्रियता मिली। बिग बुल में हम एक्टर वरुण शर्मा, चंकी पांडे, कुमुद मिश्रा, लेखा प्रजापति को भी देख सकेंगे। मूवी के लिए प्रिंसिपल शूट तो 16 सितंबर 2019 को ही स्टार्ट हो गया था। 23 अक्टूबर 2000 को इसे रिलीज भी होना था, लेकिन कोरोना के चलते इस मूवी को रिलीज नहीं किया गया। 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी को वर्ल्ड वाइड डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 18 दिसंबर 2020 को रिलीज करना था, लेकिन अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के कारण इस फिल्म की रिलीजिंग डेट फिर से बढ़ा दी गई थी। क्राइम ड्रामा के प्लॉट में बनी मूवी का पोस्टर तो 2 जनवरी 2020 को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसकी रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं हो पा रही है। खबर ये थी कि ये मूवी हॉटस्टार में ही 23 जनवरी 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब वो डेट भी कैंसिल कर दी गई, जिसका रीजन अभी तक नहीं बताया गया है। अब देखना ये होगा कि मेकर्स बिग बुल को कब रिलीज करते हैं और ये मूवी स्कैम 1992 की तरह लोगों को पसंद आ पाती है या नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बॉलीग्राड स्टूडियोज के चैनल को। आखिर कहाँ है हर्षद मेहता स्कैम का दूसरा सबसे बड़ा नाम अश्विन मेहता? कौन था मार्केट का बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के आने से पहले भी? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कुकी गुलाटी द्वारा डायरेक्टेड अपकमिंग मूवी बिग बुल के बारे में, और आप जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट प्रिशा के साथ। बिग बुल इंडिया के बहुत बड़े स्कैमर हर्षद मेहता की लाइफ के ऊपर आधारित है, जिसमें उनके भाई अश्विन मेहता का भी बहुत साथ था। हर्षद मेहता के ऊपर 1992 में काफी ज्यादा केसेस को फाइल किया गया था, तो वहीं धीरे धीरे प्रेशराइज और टेंशन की वजह से साल 2001 में हर्षद मेहता की डेथ हो गई थी। लेकिन उनके भाई अश्विन मेहता ने फिर भी उन सभी केसेस के अगेंस्ट अपनी लड़ाई को नहीं छोड़ा। हर्षद मेहता पर लगे अनगिनत केसेस की फाइल को स्टडी करते करते अश्विन मेहता आज HC और SC में एक लॉयर की भूमिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साल 1992 से चल रहे लगातार केस में अपनी भाभी ज्योति मेहता और भाई हर्षद मेहता की तरफ से लड़ते लड़ते साल 2018 में आखिरकार उन्हें बेल मिल ही गई और वह उन केसेस से फ्री हो गए। मगर अफसोस, हर्षद मेहता ये सब देखने के लिए इस दुनिया में जिंदा नहीं थे। 1980s से लेकर 1990s तक हर्षद मेहता ने पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पर राज किया, और समय के साथ 1992 में उनके किए गए स्कैम्स दुनिया के सामने ला दिए गए। 1980s से पहले, यानी कि हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट के बच्चन होने से पहले भी स्टॉक मार्केट पर पूरा राज हुआ करता था मनु मानिक उर्फ ब्लैक कोबरा का। ब्लैक कोबरा ने पूरे स्टॉक मार्केट पर काफी राज किया,
लेकिन हर्षद मेहता के आने के बाद ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पर आ गए। जब दो स्टॉक मास्टर आमने सामने हो तो एक की हार होना तो तय है, और वो थे मनु मानिक। जैसा कि मूवी डायरेक्टर कुकी गुलाटी जी ने बताया कि मूवी में हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट की लाइफ दिखाई जाएगी कि आखिर कैसे वो बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं, और इस तरह हर्षद मेहता और मनु मानिक के बीच में स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा कंपटीशन रहता था। और आखिर हो भी क्यों ना, मार्केट के ब्लैक कोबरा के सामने आया था स्टॉक मार्केट होने वाले बिग बुल, और इन्हीं सब चीजों को इस मूवी बिग बुल में दर्शाया जाएगा। आपके इस मूवी के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करें ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी लिखी कैसे एक आदमी ने पूरा स्टॉक मार्केट की स्ट्रीट को ठग लिया। आखिर बैंक्स ने हर्षद मेहता के घोटाले को क्यों छुपा कर रखे। बॉलगर्ल स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत है। हर्षद मेहता के घोटाले का अमाउंट इतना बड़ा था कि कोई इतना बड़ा घोटाला करने का सोच भी नहीं सकता, और ये इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अगर पैसों की बात करें तो इस आदमी ने 24,000 करोड़ का घोटाला करके पूरे देश को ठगा है। ब्रोकर्स मार्केट में जो इंटरमीडियरीज की भूमिका निभाते थे, वो बोरोइंग बैंक्स के लेंडिंग बैंक से मिलवाने का काम करते थे। यहाँ एक ब्रोकर का रोल खत्म हो जाता है, और ये सब करने के लिए ब्रोकर एक कमीशन चार्ज करता है। जहाँ सिक्योरिटीज और पेमेंट्स का एक्सचेंज लोगों के बीच होता है, वहीं बैंक की सिक्योरिटीज और पेमेंट्स ब्रोकर्स को दिए जाने लगा। बैंक्स को भी ये सिस्टम बहुत पसंद आया, क्योंकि एक तो इसमें लेंडिंग बैंक्स को पता नहीं चलेगा कि पैसा किसने लिया है, और दूसरा इसमें ट्रांजैक्शन का बैंक के क्रेडिट वर्थिनेस से कोई लेना देना नहीं होगा। हर्षद फिर बैंक को उनके नाम पर चेक देने के लिए कन्वेंस कर देते हैं, और फिर उस मनी को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वह ब्रोकर सिस्टम का फायदा उठाकर घोटाला करता था। आमतौर पर एक सौदे में सिर्फ दो बैंक इन्वॉल्व होते हैं। कैश के बदले एक बैंक से सिक्योरिटीज लिए जा सकते हैं। हर्षद मेहता इसमें क्या करता था कि जब एक बैंक अपने सिक्योरिटीज या कैश मांगता था तो वो तीसरे बैंक पर डाल देता था, और इसके बाद चौथे बैंक पर, और ऐसा चलता रहता था। और इस तरह इस पैसों के चक्रव्यूह में दो बैंक की जगह इसमें कई बैंक शामिल हो जाते हैं, जिसे सारे बैंक एक वेब से कनेक्टेड हो जाते हैं। बैंक्स को हर्षद मेहता के घोटाले के बारे में पता था, पर उन्होंने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें भी हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से फायदा हो रहा था, क्योंकि वहां एक परसेंटेज बैंक को ट्रांसफर कर दिया करते थे, और ये बैंक को प्रॉफिट कमाने में भी मदद करता था। हर्षद मेहता की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी एक गरीब इंसान की है, जो अपने दिमाग और सिस्टम के लूप होल्स को यूज कर करोड़ों का घोटाला करता है। इनकी कहानी काफी मजेदार और एक्साइटिंग है। वे घोटाले करने के लिए बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं। क्या ऐसे दिलचस्प और अनोखे किरदार को स्क्रीन पर सही तरह से दर्शा पाएंगे जूनियर बच्चन? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ पूनम, और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है संस्कृति जलन ने। क्यों सुचेता दलाल ने काफी सालों तक इंतजार किया कोई एक्शन लेने से, ये जानते हुए भी कि हर्षद मेहता कुछ गलत कर रहे हैं। आखिर क्या एविडेंस मिला सुचेता को, जिससे वो हर्षद मेहता से सीधा टकराने के लिए तैयार हो गई। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां मैं पलक गुप्ता आपसे बात करूंगी कुकी गुलाटी द्वारा डायरेक्टेड मूवी, जो कि 2021 की काफी चर्चित मूवी है, द बिग बुल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर पहुँच कर किस तरह हर्षद मेहता को, जो की स्टॉक मार्केट में नई ऊंचाइयों पर स्थापित थे, कैसे वो जमीन पर आ गिरे, और जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो थी न्यूज रिपोर्टर सुचेता दलाल का। सुचेता दलाल को शुरू से ही हर्षद मेहता का स्टॉक मार्केट में एक्सट्रीम राइज होना, और वो भी इतनी तेजी से, गलत लगा था, और उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था कि जरूर हर्षद मेहता ने किसी ना किसी तरह का फ्रॉड तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन उनके पास किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने हर्षद मेहता को फर्स्ट टारगेट ना करने का फैसला लिया। हर्षद मेहता को ऐसे टाइम पे टारगेट करना, वो भी तब जब वो स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर थे और मार्केट के बिग बुल कहे जाते थे, और बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस से हर्षद के अगेंस्ट जाने से शायद सुचेता दलाल बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाती। लेकिन मुश्किल क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उन्हें इस केस में फंसाया जा सकता था कि उन्होंने हर्षद मेहता को डिफेम करने की कोशिश की है, वो भी
फेक एलिगेशंस के चलते। यही कारण था कि सुचेता दलाल ने अपने सभी रिसोर्चेस को होल्ड पर रखा था ताकि वो सही समय आने पर सही निशाने पर वार कर सके, और उन्होंने ऐसा किया भी क्योंकि एक इनडायरेक्ट सोर्स से पता चला सुचेता दलाल को कि ये हर्षद मेहता ने बैंक्स के साथ कुछ पैसों का फ्रॉड किया है, वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए की। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये। तो बस यही था वो ट्रिगर जिसने सुचेता की बंद पड़ी बंदूक से गोली निकलवा दी, और वो गोली सीधा जाके लगी बुल्स आई पे, और या फिर कहें तो बिग बुल्स आई। उन्होंने सभी एविडेंसेस के साथ सीधा हर्षद मेहता के ऊपर अटैक किया कि आखिर किस तरह वो भारत की जनता का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उन पैसों को पर्सनल यूज के लिए मनमर्जी से इस्तेमाल भी करते थे, जबकि ये बिल्कुल गलत था। सुचेता दलाल का एग्जैक्ट शब्द ये थे कि हर्षद मेहता द्वारा बैंक से लिए गए पैसों की एक एक पाई भारत के लोगों की है, जिसके ऊपर हर्षद का किसी भी तरह से कोई हक या राइट नहीं बनता है। आप किस मूवी को लेकर क्या राय है और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट अभिषेक मिक्की ने लिखी। कैसे एक आदमी ने पूरे स्टॉक मार्केट की स्ट्रीट को ही ठग लिया? आखिर बैंक्स ने हर्षद मेहता के घोटाले को क्यों छुपा कर रखा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बॉली क्रैश स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हर्षद मेहता के घोटाले का अमाउंट इतना बड़ा था कि कोई भी इतना बड़ा घोटाला करने की सोच भी नहीं सकता, और ये इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अगर पैसों की बात करें तो इस आदमी ने 24,000 करोड़ का घोटाला करके पूरे देश को ठग लिया है। ब्रोकर्स मार्केट में जो इंटरमीडिएट्स की भूमिका निभाते थे, वो बोरोइंग बैंक्स की लेंडिंग बैंक से मिलवाने का काम करते थे। यहाँ एक ब्रोकर का रोल ख़त्म हो जाता है, और ये सब करने के लिए ब्रोकर एक कमीशन भी चार्ज करता है। जहाँ सिक्योरिटीज़ और पेमेंट्स का एक्सचेंज लोगों के बीच होता है, वहीं बैंक्स की सिक्योरिटीज़ और पेमेंट्स ब्रोकर्स को दिए जाने लगे। बैंक्स को भी ये सिस्टम बहुत पसंद आया, क्योंकि एक तो इसमें लेंडिंग बैंक्स को नहीं पता चलेगा कि पैसा किसने लिया, और दूसरा इसमें ट्रांजैक्शन का बैंक के क्रेडिट वर्थिनेस से कोई लेना देना नहीं होगा। हर्षद फिर बैंक को उनके नाम पर चेक देने के लिए कन्विंस कर देता था, और फिर उस मनी को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता था। वो ब्रोकर सिस्टम का फ़ायदा उठाकर घोटाला करता था। आमतौर पर एक सौदे में से दो बैंक ही इन्वॉल्व होते हैं। कैश के बदले एक बैंक से सिक्योरिटीज़ लिया जा सकता है। हर्षद मेहता इसमें क्या करता था कि जब एक बैंक अपने सिक्योरिटीज़ या कैश मांगता था तो वो तीसरे बैंक पर डाल देता था, और उसके बाद चौथे बैंक पर, और ऐसा चलता रहता था। और इसी तरह इस पैसों का चक्रव्यूह में दो बैंक की जगह इसमें कई सारे बैंक शामिल हो जाते हैं, जिससे सारे बैंक्स एक वेब से कनेक्टेड हो जाते हैं। बैंक्स को हर्षद मेहता के घोटाले के बारे में पता था, पर उन्होंने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें भी हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से फायदा हो रहा था, क्योंकि वह एक परसेंटेज बैंक को ट्रांसफर कर दिया करता था। ये बैंक को प्रॉफिट कमाने में भी मदद करता था। हर्षद मेहता की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी एक गरीब इंसान की है जो अपने दिमाग और सिस्टम के लूप होल्स को यूज करके करोड़ों का घोटाला कर देता है। इनकी कहानी काफ़ी मज़ेदार और एक्साइटिंग भी है। वह घोटाले करने के लिए बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं। क्या ऐसे दिलचस्प और अनोखे किरदार को स्क्रीन पर सही तरीके से दर्शा पाएंगे जूनियर बच्चन? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉली क्रैश स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है संस्कृति जलान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कैसे एक आदमी ने पूरे स्टॉक मार्केट की स्ट्रीट को ही ठग लिया? आखिर बैंक्स ने हर्षद मेहता के घोटाले को क्यों छुपा कर रखा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बॉली क्रैश स्टूडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो।
हर्षद मेहता की घोटाले का अमाउंट इतना बड़ा था कि कोई भी इतना बड़ा घोटाला करने की सोच भी नहीं सकता, और ये इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अगर पैसों की बात करें तो इस आदमी ने 24,000 करोड़ का घोटाला करके पूरे देश को ठग लिया है। ब्रोकर्स मार्केट में जो इंटरमीडिएट्स की भूमिका निभाते थे, वो बोरोइंग बैंक्स की लेंडिंग बैंक से मिलवाने का काम करते थे। यहाँ एक ब्रोकर का रोल ख़त्म हो जाता है और ये सब करने के लिए ब्रोकर एक कमीशन भी चार्ज करता है। जहां सिक्योरिटीज और पेमेंट्स का एक्सचेंज लोगों के बीच होता है, वही बैंक्स की सिक्योरिटीज और पेमेंट्स ब्रोकर्स को दिए जाने लगे। बैंक्स को भी ये सिस्टम बहुत पसंद आया, क्योंकि एक तो इसमें लेंडिंग बैंक्स को नहीं पता चलेगा कि पैसा किसने लिया, और दूसरा इसमें ट्रांजैक्शन का बैंक के क्रेडिट वर्थिनेस से कोई लेना देना नहीं होगा। हर्षद फिर बैंक को उनके नाम पर चेक देने के लिए कन्विंस कर देता था और फिर उस मनी को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता था। वो ब्रोकर सिस्टम का फायदा उठाकर घोटाला करता था। आमतौर पर एक सौदे में से दो बैंक ही इन्वॉल्व होते हैं। कैश के बदले एक बैंक से सिक्योरिटीज लिया जा सकता है। हर्षद मेहता इसमें क्या करता था कि जब एक बैंक अपने सिक्योरिटीज़ या कैश मांगता था, तो वो तीसरे बैंक पर डाल देता था और उसके बाद चौथे बैंक पर, और ऐसा चलता रहता था। और इसी तरह इस पैसों का चक्रव्यूह में दो बैंक की जगह इसमें कई सारे बैंक शामिल हो जाते हैं, जिससे सारे बैंक्स एक वेब से कनेक्टेड हो जाते हैं। बैंक्स को हर्षद मेहता के घोटाले के बारे में पता था, पर उन्होंने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें भी हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से फायदा हो रहा था, क्योंकि वह एक परसेंटेज बैंक को ट्रांसफर कर दिया करता था। ये बैंक को प्रॉफिट कमाने में भी मदद करता था। हर्षद मेहता की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी एक गरीब इंसान की है जो अपने दिमाग और सिस्टम के लूप होल्स को यूज करके करोड़ों का घोटाला कर देता है। इनकी कहानी काफ़ी मज़ेदार और एक्साइटिंग भी है। वह घोटाले करने के लिए बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं। क्या ऐसे दिलचस्प और अनोखे किरदार को स्क्रीन पर सही तरीके से दर्शा पाएंगे जूनियर बच्चन? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीक्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है संस्कृति जलान। बहुत बहुत क्या कहा अभिषेक बच्चन ने अपने आने वाली फिल्म द बिग बुल के बारे में? क्या अजीब बात है इस फिल्म के बारे में। बॉलीग्रेस स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत है। सिल्वर स्क्रीन से एक साल तक दूर रहने के बाद अभिषेक बच्चन ने अपनी आने वाली फिल्म द बिग बुल में अपने इम्प्रेसिव लुक से सभी फैंस का दिल जीत लिया है। अभिषेक बच्चन की द बिग बुल फिल्म की एक डिजिटल रिलीज होगी। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज होगी और फिल्म की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। द बिग बुल के पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और इसमें अभिषेक एक शातिर बिजनेसमैन के रूप में दिख रहे हैं, जो कि चश्मा लगाए और सूट पहने किसी गहरी सोच विचार में बैठे हैं। बिग बुल का टैगलाइन है द मैन हु सोल्ड ड्रीम्स ऑफ इंडिया, और ये फिल्म हर्षद मेहता के स्कैम पर बेस्ड है। अभिषेक ने बताया कि द बिग बुल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। ये फिल्म लेट 1980s और अर्ली 1990s में मुंबई में बेस्ड है। ये राग से लेकर रिचेस की कहानी है। ये कहानी एम्बिशन की है। कहानी दर्शाती है कि कैसे अगर एक इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। ये कहानी डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस की है, साथ ही दिमाग की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बहुत ही वंडरफुल कहानी है और इसकी कास्ट भी वंडरफुल है। और इस फिल्म में इलियाना डिक्रूज, निकिता दत्त और सोहम शाह जैसे कलाकार काम कर रहे हैं। सेम तौर पर फिल्म बनाने के बाद एक फिल्म की प्रमोशन की जाती है, यानी कि अलग अलग टीवी शोज और एडवर्टाइजमेंट्स में फिल्म की रिलीज डेट के बारे में और फिल्म को क्यों देखना चाहिए बताया जाता है। इससे लोगों को फिल्म की जानकारी मिलती है और वो फिल्म देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जिस फिल्म की प्रमोशन अच्छी तरह से होती है, उस फिल्म की कमाई अच्छी होती है, क्योंकि ऑडियंस को पता चलते ही कुछ ऑडियंस फिल्म को देखने जरूर जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्म के प्रमोशन का फिल्म को मिले रेस्पॉन्स और कमाई पर काफ़ी असर पड़ता है। सेम तौर पर फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस होने के बाद फिल्म की प्रमोशन की जाती है, ताकि लोगों को एक्टर्स ये बता सके कि फिल्म कब रिलीज हो रही है और ऑडियंस इसे कब देखने जा सकते हैं। पर द बिग बुल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिल्म की एक चौंकाने वाली बात तो ये है कि फिल्म की प्रमोशन हो चुकी है, पर अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है।
दरअसल कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में अभिषेक बच्चन, निकिता दत्त और फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन इस फिल्म की प्रमोशन कर चुके हैं और फिल्म की कहानी के बारे में भी हिंट दे चुके हैं, पर फिल्म के रिलीज डेट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये अब तक डिसाइडेड नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि जूनियर बी की ये इंडियन लैंग्वेज बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म डायरेक्टेड बाय कोकी गुलाटी एंड प्रोड्यूस्ड बाय अजय देवगन, आनंद पंडित, विक्रांत शर्मा एंड कुमार मंगत पाठक। इट्स स्टोरी लाइन इज बेस्ड ऑन द हर्षद मेहता'स लाइफ एंड इट्स इवेंट। दिस इज एज सेम एज स्टोरी शोन इन द सीरीज स्कैम। ऑल्सो बिग बुल इज रियल ड्रामा बेस्ड स्टोरी लाइन दैट माइट हुक ऑडियंस टिल द एंड ऑफ द मूवी। But the movie Big Bull and Scam are the two competitors as people have already watched it and why would they want to watch it again? And people also have mixed reviews. So maybe some of them still have a craze of Harshad Mehta's life and its events that has occurred. It will be very devastating to watch these two collapsing where one has already released and the other had made not impact on the peoples and the audience where the other has to still impress. What are your views about this? Please do tell us via commenting and do subscribe to our YouTube channel Bollywood Views. If you liked our today's videos, please like and share to your friends and families and tell them what is the story of Big Bull, and also do tell them to comment about their views for the movie Big Bull. Thank you. Today's script is written by Poonam. क्यों अभिषेक बच्चन को हर्षद मेहता के किरदार में एक्सेप्ट करना होगा मुश्किल? क्या असर हो सकता है नेगेटिव क्रिटिक्स का बिग बुल मूवी के ऊपर? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कूकी गुलाटी द्वारा डायरेक्टेड मूवी बिग बुल के बारे में। कूकी को इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और अभिषेक बच्चन को लीड रोल में भी ये मूवी काफी हद तक सूट कर रही है, लेकिन फिर भी चाहे मूवी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिग बुल मूवी को डायरेक्टर हंसल मेहता द्वारा डायरेक्टेड वेब सीरीज स्कैम 1992 के साथ कंपेयर किया जाएगा और उसी तरीके से अभिषेक को प्रतीक गांधी के साथ, जिन्होंने हर्षद मेहता का किरदार बखूबी उतारा था पर्दे पर। यहाँ तक कि हर्षद के भाई ने भी ये कह दिया था कि उन्हें प्रतीक गांधी में खुद हर्षद दिखते हैं। ये ऑडियंस का एक बहुत ही पुराना फंडा है कि जिस किसी किरदार में हम सब एक व्यक्ति को काफी पसंद कर लेते हैं तो हम उसी किरदार के रोल में उसे देखना पसंद करते हैं। कुछ ऐसा ही सिनेरियो है हर्षद मेहता को लेकर। हम सभी को हर्षद मेहता का नाम लेते ही सिर्फ एक चेहरा याद आता है और वो है प्रतीक गांधी का। और जहां ऑडियंस ने इतना ज्यादा दिल से प्रतीक को अपना हर्षद मेहता एक्सेप्ट कर लिया है, तो वही अभिषेक का प्रतीक द्वारा ओवरशैडो होना तो काफी ऑब्वियस था। और उसी तरीके से मूवी एक्सपर्ट का मानना है कि बिग बुल मूवी को बहुत ज्यादा हेटेड मिल सकती है और साथ ही साथ नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी, लेकिन कहीं ना कहीं यही क्रिटिसिज्म मूवी को अनवांटेड फ्री प्रमोशन और हाइप भी दे रहा है, क्योंकि कंपेयर करने के मकसद से ही सही ऑडियंस इस मूवी को देखेगी जरूर। उनका इरादा कुछ भी हो, इस मूवी को वो देखेंगे ताकि वो देख सके कि बॉलीवुड ने हर्षद मेहता की लाइफ स्टोरी को 2 घंटे की मूवी में किस तरीके से दिखाया है। क्योंकि स्कैम 1992 ने हर्षद की कहानी को इतनी ज्यादा गहराई से दिखाया है, हर्षद के फ्रॉड्स और उसके माइंड गेम्स को भी बखूबी पर्दे पर उतारा है। अब ये तो समय ही बताएगा कि बिग बुल मेकर्स हमारे लिए क्या पेश करने वाले हैं। आपके इस मूवी के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ फिलहाल खत्म करते हैं ये सिलसिला। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिक्की ने। कौन सी फिल्म है बिग बुल मूवी का कंपटीशन? क्या सच में आने वाला है स्कैम 1992 का दूसरा सीजन? मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कूकी गुलाटी द्वारा तैयार की गई बायोग्राफिक बॉलीवुड मूवी बिग बुल के बारे में। बिग बुल मूवी वैसे तो 2020 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया गया और उसी दौरान स्कैम 1992 वेब सीरीज रिलीज हुई। वो सीरीज भी हर्षद मेहता की लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही और इंडिया की आज तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वेब सीरीज बन गई, जिसकी एक्सट्रीम हाइप और बिग बुल से कंपैरिजन की वजह से
मूवी मेकर्स ने मूवी को दिसंबर 2020 तक पोस्टपोन कर दिया। मगर अब बिग बुल मूवी को लिए एक और राइवल आने वाला है और वो है स्कैम 1992 वेब सीरीज का सिक्वल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सोनी लाइव ने हाल ही में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि हंसल मेहता सेकेंड सीजन बनाने की तैयारी में है और एक नया हिस्सा जुड़ने जा रहा है स्कैम फ्रेंचाइजी में, जिसका नाम होगा स्कैम 2003 द तेलुगु स्टोरी। ये सीजन जर्नलिस्ट संजय सिंह द्वारा लिखी गई बुक रिपोर्टर की डायरी के ऊपर है। सीजन 2 में अब्दुल करीम तेलगी के बारे में दिखाया जाएगा, जो कि इंडिया के मोस्ट इनोवेटिव स्कैम के मास्टरमाइंड थे। तेलगी के स्कैम की एस्टिमेट वैल्यू थी लगभग 20,000 करोड़ रुपए। मराठी फिल्म के काफी पॉपुलर राइटर किरण को हायर किया गया है ताकि वो संजय सिंह के साथ मिलकर इस पूरी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट को तैयार कर सके। हंसल मेहता के ये कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं इस वेब सीरीज को बनाने के लिए। अब देखना ये है कि हंसल मेहता किस तरह इस कहानी को भी नई बुलंदियों पर पहुंचा पाते हैं। आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आखिर कैसे हर्षद मेहता एक छोटे से स्टॉक ब्रोकर से मार्केट के बिग बुल बने? सभी टेक्निक्स के शानदार तरीके से प्रॉफिट कमाते कमाते हर्षद मेहता का स्कैम आखिर कैसे एक्सपोज हुआ? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की अपकमिंग बायोग्राफिकल क्राइम जॉनर में तैयार की गई फिल्म द बिग बुल के बारे में। बिग बुल फिल्म में हमें लीड रोल्स में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन, इलियाना डिक्रूज, सोहम शाह, निकिता दत्ता और अजय देवगन। फिल्म को थिएटर्स में ना रिलीज करने का फैसला करने के बाद फिल्म डायरेक्टर कुकी गुलाटी इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करने वाले हैं और उसी के लिए फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक के बाद एक मूवीज लेकर आ रहा है अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए और उसी के चलते डिज्नी प्लस अब पूरी तरह से तैयार है जल्द ही द बिग बुल फिल्म को रिलीज करने के लिए भी। कुकी गुलाटी ने इस फिल्म के डायरेक्शन के साथ साथ फिल्म के डायलॉग्स की जॉटिंग भी की है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी कुकी गुलाटी ने ही किया है। इस फिल्म के लीडिंग एक्टर्स का लाइनअप तो बहुत ही बढ़िया है ही, उसी के साथ साथ इस फिल्म में काफी मजेदार सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी होने वाली है, जिसमें वरुण शर्मा, चंकी पांडे, कुमुद मिश्रा और लेखा प्रजापति भी इस फिल्म का हिस्सा है। फिल्म को बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन ने ही प्रोड्यूस किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी विष्णु राव ने की है। आपको बता दें कि इस फिल्म के बारे में बात करते हुए मेकर्स ने बताया है कि फिल्म एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा होने वाली है, जो कि भारत के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम जिसके मास्टरमाइंड थे हर्षद मेहता, जिन्हें मार्केट का बिग बुल भी कहा जाता था, के बारे में दर्शाने वाली है। हर्षद मेहता एक छोटे स्टॉक ब्रोकर से शुरू करते हुए आरबीआई और बाकी बैंक्स के मनी सिस्टम में बेहद शानदार लूप होल्स का इस्तेमाल करने से उन्होंने बहुत ही बड़ी अमाउंट में मनी प्रॉफिट गेन किया था। हर्षद मेहता की ये टेक्निक बहुत ही शानदार तरीके से एग्जीक्यूट की जा रही थी, जहां वो शेयर से बड़ी मात्रा में पैसा कमा रहे थे और काफी हाई डिविडेंड्स भी अर्न कर रहे थे। लेकिन तभी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, जिस वजह से उनका स्कैम भी बाहर आ गया और टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने हर्षद मेहता के ऊपर सभी प्रूफ्स के साथ एक आर्टिकल लिख डाला, जिसके बाद हर्षद मेहता अक्का बिग बुल का दौर खत्म हो गया। अब देखना ये है कि इस फिल्म में हर्षद की जिंदगी को किस तरह से दर्शाया जाएगा, क्योंकि फिल्म को स्कैम 1992 वेब सीरीज को भी एक टफ कंपटीशन देना है। खैर, आपके इस फिल्म के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमारे नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, चलिए कहे कुछ अनकहा और सुनाए कुछ अनसुना। What would be the concept clash of Big Bull with Scam 1992? और आखिर क्यों मेकर्स मूवी को डिले कर रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और अगर आपके मन में ऐसे ही कुछ सवाल हैं, तो इस वीडियो में आपको ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बायोग्राफी ऑफ 1980 से लेकर 1990 तक के फाइनेंशियल स्कैम के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे ही स्कैम शब्द सुना, आप सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया होगा,
और वो है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना दोस्तों, हर्षद मेहता की कहानी के ऊपर बनी ये वेब सीरीज बेहद शानदार है और ऑडियंस में बहुत ज्यादा पसंद की गई है। भारत की सबसे सक्सेसफुल वेब सीरीज में एक मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, और हर्षद मेहता की कहानी के ऊपर एक फिल्म तैयार की गई है जिसका नाम है द बिग बुल। जी हाँ दोस्तों, तो जब बिग बुल की शूटिंग चल रही थी तब मूवी मेकर्स को स्कैम 1992 वेब सीरीज के बारे में पता था और उन्होंने अपनी मूवी को अपने हिसाब से तैयार किया था। तो वही हंसल मेहता ने अपनी वेब सीरीज स्कैम 1992 को अपने वर्जन और अपने तरीके से बनाया और आगे तो हम सभी जानते हैं कि किस पैमाने पर स्कैम 1992 सुपरहिट साबित हुई है। दोस्तों पहले मूवी दिसंबर 18, 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया इस सोच से कि शायद वक्त के साथ साथ स्कैम 1992 का क्रेज थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर मूवी मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो इस मूवी को 2021 के शुरुआत में ही रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो इस मूवी को अब ज्यादा आगे तक पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम बता दें कि मेकर्स को अपनी मूवी के ऊपर काफी विश्वास है लेकिन साथ ही साथ उन्हें स्कैम 1992 की पॉपुलैरिटी का भी काफी ज्यादा डर है। दोस्तों इस मूवी में कास्ट किए गए हैं अभिषेक बच्चन जो कि निभाने वाले हैं हर्षद मेहता का किरदार और अभिषेक बच्चन को भी प्रतीक गांधी से कंपेयर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंपेयर्ड बाय प्रतीक गांधी, जिसकी वजह से बिग बुल मूवी को आने से पहले ही काफी ट्रोल किया जा रहा है। हम आपको बता दें मूवी मेकर्स को स्कैम 1992 के बैन के बारे में पता था लेकिन उन्होंने आखिर क्यों अभिषेक बच्चन को चुना गया हर्षद मेहता के रोल को निभाने के लिए? ऐसी कौन सी खासियत थी हर्षद मेहता में जो वो हर किसी से डील फाइनलाइज बहुत ही आसानी से कर लेते थे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जहाँ हम आज बात करेंगे अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म बिग बुल के बारे में। डायरेक्टर कुकी गुलाटी ने अभिषेक बच्चन को हर्षद मेहता का किरदार निभाने के लिए कास्ट किया है। हर्षद मेहता इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर रह चुके हैं और 1992 में स्कैम घोटाले के मास्टरमाइंड भी। हर्षद मेहता एक छोटे मोटे कारोबारी से स्टॉक मार्केट के बच्चन कैसे बने उस पूरी कहानी के ऊपर बेस्ड है फिल्म बिग बुल। फिल्म में अभिषेक बच्चन को कास्ट करने के पीछे कई कारण हैं। वो ये कि फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड के अनुसार डायरेक्टर को कोई इंटेंसिव और मास्टरमाइंड रोल निभाने वाला व्यक्ति चाहिए था क्योंकि हर्षद मेहता एक बहुत ही ज़्यादा शानदार मास्टरमाइंड थे और उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज से हज़ारों करोड़ों का प्रॉफिट भी कमाया था। और काफ़ी सोच विचार करने के बाद फिल्म के डायरेक्टर ने अभिषेक बच्चन को इस रोल के लिए चुना। उनके धूम सीरीज़ में इंस्पेक्टर के रोल में निभाई गई इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ यही नहीं बल्कि डायरेक्टर का कहना था कि हर्षद मेहता गुजराती फैमिली को बिलोंग करते थे और वहीं अभिषेक बच्चन भी गुजराती बैकग्राउंड से ही है, तो एक गुजराती व्यक्ति की बोलचाल और उसकी सूझबूझ को अपने अंदर समाने के लिए अभिषेक बच्चन को ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। बिग बुल फिल्म का मेन कंसेप्ट है हर्षद मेहता के 10 साल में किए गए सभी बड़ी डील्स और मास्टरमाइंड प्लान्स को फिल्म में दिखाना कि आखिर कैसी कैसी डील्स को हर्षद मेहता ने फाइनलाइज किया और वो भी किस तरह, क्योंकि हर्षद मेहता के अंडर स्टॉक मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ की थी जितनी सेंसेक्स ने कभी नहीं की और हर्षद मेहता ने बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट में प्रॉफिट्स भी कमाए थे इससे। खुद की कंपनी बंद होने के बाद भी हर्षद मेहता ने अपनी बीवी के भाइयों की कंपनी को बहुत ही शानदार तरीके से गाइड किया और देखते ही देखते वो कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लग गई। हर्षद मेहता की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर लेते थे, यानी कि अपने डिसीजन की तरफ किसी को अट्रैक्ट कर लेते थे और इसी टैलेंट की वजह से उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स फाइनलाइज की हैं और ढेर सारा प्रॉफिट कमाया है खुद भी और डील करने वाले का भी। और ये सब इंसिडेंट्स को कवर करेगी फिल्म बिग बुल। खैर, आपके इस फिल्म के बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए ख़त्म करें ये सिलसिला, कहने का कुछ अन कहो और सुनाने का कुछ अन सुना। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आपको हमारी अभिषेक बच्चन ने मारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री, क्या रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है फिल्म बिग बुल, किस डर से फिल्म के रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एकदम नई वीडियो में, जहां कोरोना काल की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग में लगा एक ब्रेक।
वहीं दूसरी तरफ कई बड़े कलाकारों ने लॉकडाउन में अपने काम की इम्पोर्टेंस को समझा है और इसके बाद तेजी से अपना काम शुरू कर दिया है और अपनी नई फिल्मों की तैयारी भी पूरे जोश के साथ शुरू की है। इसी लिस्ट में शामिल है अभिषेक बच्चन भी। अभिषेक बच्चन ने 2020 दिसंबर और 2021 के लिए शानदार फिल्मों को अपनी झोली में शामिल किया है। इस साल उन्होंने Amazon प्राइम पर ब्रेथ इनटू द शैडो सीरीज के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारी। वहीं लूडो भी एक बड़ा सक्सेस रही और लेकर आने वाले हैं क्राइम थ्रिलर बॉब बिस्वास और अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाब जामुन। अभिषेक बच्चन का उनकी फिल्मों को लेकर ये उत्साह शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। उनकी एक के बाद एक कई फिल्में चर्चा बटोर रही हैं। उसी में शामिल है उनकी आने वाली नई फिल्म बिग बुल। लेकिन बिग बुल से पहले आपको बता दें कि अगर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अभिषेक बच्चन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म लूडो आपने अब तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि अभिषेक बच्चन ने उस फिल्म में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। फिल्म को 10 में से 8 की IMDb रेटिंग दी गई है। वहीं फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव और फातिमा शेख भी मुख्य किरदारों के रूप में नजर आए थे। वहीं दोस्तों अभिषेक की अपकमिंग फिल्म बिग बुल एकदम अपोजिट होने वाली है। ये फिल्म एक बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म है जिसका डायरेक्शन करने वाले हैं कूकी गुलाटी और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे अजय देवगन और आनंद पंडित। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी एक रोमांचक कहानी है जो कि भारत की वन ऑफ द मोस्ट व्यूड एंड फेमस वेब सीरीज स्कैम 1992 से प्रेरित है। इस भारतीय वेब सीरीज को 9 अक्टूबर 2020 में सोनी लाइव पर प्रीमियर किया गया था और ये इतनी कमाल की कहानी थी कि सीरीज को 10 में से 9.6 की IMDb रेटिंग दी गई थी और ये सबसे अधिक रेटिंग वाली इंडियन वेब सीरीज में शामिल हुई थी। वहीं बिग बुल एक मूवी के रूप में इसी सीरीज की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने जा रही है। कहानी की बात करें तो ये फिल्म हर्षद मेहता नाम के एक स्टॉक ब्रोकर की रियल लाइफ पर आधारित है, जहां 1980 से लेकर 1990 तक के 10 वर्षों में उनके किए गए सभी घोटाले और फाइनेंशियल क्राइम्स के अराउंड ये फिल्म रिवॉल्व करने वाली है। फिल्म में अभिषेक बच्चन हर्षद मेहता का किरदार निभाएंगे, साथ ही निकिता दत्ता और इलियाना डी क्रूज सहायक भूमिका में आपको नजर आएंगी। सुनने में आया है कि फिल्म पहले 10-18 दिसंबर को रिलीज की जानी थी, लेकिन मेकर्स ने फिल्म के रिलीज डेट को आगे किया, जिसके कारण बताया जा रहा है सीरीज की सफलता। सुनने में आया है कि मेकर्स को ये चिंता है कि अगर फिल्म अभी रिलीज की जाती है तो लोग स्कैम 1992 के लीड एक्टर प्रतीक गांधी और अभिषेक बच्चन की तुलना कर सकते हैं, जिससे फिल्म के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। हालांकि एक दूसरे सूत्र ने यह भी बताया है कि फिलहाल वो फिल्म को लेकर आश्वस्त हैं और वे जानते हैं कि तुलना तो की जाएगी, लेकिन इतनी लंबी वेब सीरीज को देखने का समय अगर किसी के पास नहीं हो तो वे 3 घंटे की इस फिल्म को देखकर कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिल्म के रिलीज डेट की बात करें तो 2021 के शुरुआती कुछ महीनों में ही इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। वहीं अगर फिल्म के पोस्टर पर आप गौर करें तो इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्कैम करने वाले मार्केट मैनिपुलेटर की एक कहानी है, जहां अभिषेक बच्चन का एक डैशिंग लुक आप देख सकते हैं। चश्मा लगाए हुए कोट पैंट में वे नजर आ रहे हैं। फिल्म का नाम दोस्तों बिग बुल रखा गया है क्योंकि हर्षद मेहता को दलाल स्ट्रीट का राजा यानी कि बिग बुल के नाम से जाना जाता था। साथ ही उन्हें इंडियन स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। ये एक ऐसा टैग था जो उन्होंने अपने स्टॉक ब्रोकर बनने के बाद और अपनी तेज तर्रार जीवन शैली की वजह से हासिल किया था। क्या वही हर्षद मेहता का हूबहू किरदार बेहतरीन तरीके से दर्शकों के सामने ला पाएंगे अभिषेक बच्चन? दोस्तों ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप कमेंट करके फिल्म के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही क्या आप अभिषेक बच्चन को इस किरदार में देखने के लिए उत्साहित हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मुस्कान चावला ने। तो बिग बुल फिल्म से अभिषेक बच्चन का करियर अजय देवगन कैसे बचाएंगे? द बिग बुल फिल्म किस शख्स की बायोपिक है? हेलो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अभिनेता अभिषेक बच्चन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म गुरु मानी जाती है। साल 2007 में आई इस फिल्म ने अभिषेक को अभिनय और इंडस्ट्री में एक नया मुकाम दिलाया। धीरूभाई अंबानी की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को रिलीज करने से पहले निर्देशक मणिरत्नम को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा था। अब जल्द ही अभिषेक एक और इसी प्रकार की फिल्म करने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम रखा गया है द बिग बुल।
इसी फिल्म के मुहूर्त शॉट की तस्वीर खुद अभिषेक ने साझा की है। सोशल मीडिया पर मुहूर्त शॉट की तस्वीर डालते हुए जूनियर बच्चन ने लिखा, और हम चले एक नया सफर, एक नई शुरुआत, आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म साल 1990 से साल 2000 के बीच घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी, जिनके कारण भारत की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया था। फिल्म की कहानी चर्चित स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। हर्षद मेहता को साल 1992 में आर्थिक अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन पर्दे पर हर्षद मेहता का किरदार निभाएंगे। ये एक संयोग है कि अभिषेक जिस व्यक्ति की भूमिका निभाने जा रहे हैं उसे स्टॉक मार्केट बिग बी कहा जाता था। साल 2007 में आई फिल्म गुरु में गुरुकांत देसाई का किरदार निभाने के बाद अब अभिषेक का ये दूसरा सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार होने वाला है। कहानी में अभिषेक के किरदार को अवैध रूप से सामान बनाते, स्टॉक करते और बड़े पैमाने पर स्टॉक में हेरा फेरी करते दिखाया जाएगा। हालांकि अभी फिल्म गुरु की तरह ही इस फिल्म के लिए भी इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि ये फिल्म एक बायोपिक है या नहीं। फिल्म का निर्देशन कूफी गुलाटी कर रहे हैं, वहीं अजय देवगन अपने खास निर्देशक इंद्र कुमार व फिल्म मेकर अशोक ठकेरिया के साथ मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। बताया जाता है कि अर्जुन धवन और जूही चतुर्वेदी लिखित इस फिल्म की कहानी हर्षद मेहता के पूरे जीवन को ऊपर से लेकर नीचे तक जाने की कहानी को प्रदर्शित करेगी। साथ ही साल 1992 के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुई धोखाधड़ी को भी प्रमुखता से प्रस्तुत करेगी। शेयर बाजार के जादूगर कहे जाने वाले हर्षद मेहता के खिलाफ 27 आपराधिक आरोपों में से 4 के लिए उसे दोषी ठहराया गया था और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। 47 साल के हर्षद मेहता को 31 दिसंबर 2001 में ठाणे जेल से ले जाकर ठाणे सिविल अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने के कारण हर्षद मेहता की मृत्यु हुई थी। पता चला है कि अभिषेक के साथ इस फिल्म में अजय देवगन भी अहम किरदार में होंगे। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।